चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अभी तक में सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला टॉपिक है। इससे ज्यादा स्कोर आप किसी भी टॉपिक में नहीं कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 20 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तक है। यानी कि ये एक ऐसा सिंगल टॉपिक है, इकलौता टॉपिक है जो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ो और कितना मार्क्स आएगा, 20 से 30 तक। अगर कितना भी नसीब गंदा रहेगा ना तो 20 मार्क्स, ओके। नसीब अच्छा रहा तो 30 तक आपका स्कोर करने का चांस मिलेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अच्छा एक बात और समझ लो, आपके प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना सिंप्लीफिकेशन का, जो बंदा अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेगा अभी तक जितना भी पूछा गया 5-6 साल में, उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उसे सॉल्व ना हो। हर एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा सिंप्लीफिकेशन का। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक पैटर्न डाल दिया गया है, ओके। और उसी पैटर्न को हर साल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले बात समझ लो कि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का ना कुछ पैटर्न होता है, ओके। किसी क्रम में सॉल्व कर, तो उसको इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी अगर ये मान लो ये दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके उसको इस पैटर्न पे ही सॉल्व करना होगा। जैसे देखो, बी बदमाश बोलते हैं जिसको, देखो बी बी ओ डी एम ए एस, ओके। ये मतलब विनाकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सबट्रैक्शन। यानी कि पहले सबसे पहले इसका काम होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ओके। सबसे पहले क्या है, विनाकुलम, विनाकुलम बोले तो बार, जिसे हम लोग बार बोलते हैं, रैकरिंग। जैसे देखो इसमें ना ये लगा है बार, तो इसके नीचे में, इसके नीचे में जो भी डिजिट होगा ना पहले उसका काम होगा, ओके। तो इसके नीचे में ये डिजिट है, अब इसके अंदर भी दिख रहे हैं, पहले क्या काम होगा, गुणा का। क्यों? क्योंकि लिखा है मल्टीप्लिकेशन का होगा ना, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं, जैसे देखो अगर आप मैक्सिमम बोलोगे सर ये मुझे, मैं अगर इसको फ्लो नहीं करूंगा ना फिर भी मैं सॉल्व कर लूंगा, फिर भी आप लोग बहुत लोग बोलोगे जो सॉल्व हो जाता है ना, तो एक क्या करना है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसे सॉल्व कर लो मैं समझ जाऊंगा। मतलब बिना ये यूज किए हुए सॉल्व करने से क्या होगा, ये देखो, और जो इसको यूज करके सॉल्व करेगा उसके साथ क्या होगा वो आंसर देखना है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न है, 4 + 2 × 3 / 6 मान दो, इसको क्या करना है, इसको कर दो 8 / 2, ओके। मान लिया जाए एक बंदा है जिसे क्या है, ये रूल वूल ये सब कुछ नहीं पता, इसे रूल्स वूल्स का कोई वो क्या है नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा सॉल्व करने सीधे, आपके एग्जाम में भी बहुत स्टूडेंट होगा जिसे ये सब नहीं पता, वो सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या करेगा, वो इधर से स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमेशा इस से इसी तरह इसी साइड से सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेगा वो, 4 × 2 = 6 जोड़ देगा, ओके हो गया। उसे क्या करेगा, ऐसे लिखाएगा है ना, 4 × 2 = 6 हो गया। आप 6 को क्या करेगा, क्या करेगा वो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो कितना हो गया, 8 × 6 = 48। अब क्या करेगा, उसके बाद 2 डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कर देगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 उसका आंसर आ जाएगा, ओके। एक वही बंदा होगा आप जैसे स्मार्ट बंदा जो यहाँ पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, देखो रूल यूज करेगा, 4 + 2 × 8 / 2, वो क्या करेगा, उसे पता है कि पहले कौन सा रूल इम्प्लीमेंट करना है, वो यहाँ देखेगा, उसे पता होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ देखिएगा सबसे पहले किसका काम हो रहा है, देखिएगा सबसे पहले डिवीजन का, यहाँ पे डिवीजन बोले तो भागा, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा, ऑफ यहाँ है, ऑफ कहीं देखो, ऑफ कहीं नहीं है, ब्रैकेट भी कहीं नहीं है। अगर बिना कॉलम पे लगा होता पहले उसका काम करूंगा, अगर यहाँ भी लगा देगा ना तो पहले इसी का काम करूंगा मैं, भले जोर क्यों ना है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, देखिएगा सबसे पहले किसका काम करना है, देखिएगा सबसे पहले डिवीजन का काम होना है, तो पहले क्या करेगा डिवीजन का, इसको पहले भागा देगा, तो 2 में 8 में क्या करेगा, 2, जैसे इसको ऐसे लिखेगा वो 4 × 8, क्या करेगा 2 को इससे डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड, तो कितना होगा, डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 4, ओके। तो कितना हो गया, 4 + 2 × 4, तो क्या क्या वो पहले डिवीजन कर दिया, उसे पता था पहले डिवीजन का, मतलब डिवीजन कर दिया कितना हो गया 4, अब क्या करेगा मल्टीप्लाई का काम होगा, यहाँ दिख रहे हो, तो क्या करेगा 4 को 2 से गुणा कर देगा, मल्टीप्लाई है ना, तो 4 को 2 से गुणा कर देगा कितना हो गया 8, तो 4 + 8 हो गया। अब क्या करेगा, डिवीजन है तो जोड़ है, एडिशन है तो एडिशन ही करना होगा, तो 8 + 4 कितना हो गया 12, देखो जिसे रूल पता था उससे उसका आंसर कितना आया है 12, जिसे रूल नहीं पता था उसका आंसर कितना आया है 24। आपके ऑप्शन में 24 भी रहेगा और 12 भी, इनफैक्ट होगा क्या कि ए ऑप्शन में 24 ही डाल देगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो ये दो है, अभी जो मैं सॉल्व करूंगा ना वो पूरे प्रीवियस ईयर ही पूछा गया, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। इसमें करना क्या, देखो माइनस माइनस माइनस, सभी माइनस को एक साथ जोड़ दो, ओके। और करना क्या, ये प्लस वाले से घटा देना है, तो जोड़ो। इसमें एक बात और ख्याल रखना है,
यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 डिजिट है, ओके, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, तो 3 का 3 के साथ ही काम होगा, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होगा, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, तो देखते हैं फिर उसको, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 4 17, कैरी 1, ओके। उसके बाद क्या है, 9 और 7 सेकंड डिजिट है, सेकंड को सेकंड से जोड़ेंगे, आप लोग मोबाइल से भी, मोबाइल तो वहां मिलेगा नहीं, मतलब पेपर पे भी लिख के जोड़ सकते हो, जिसको काफी डिफिकल्ट हो रहा है जोड़ने में, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, 9 7 16, यहाँ कुछ नहीं, 0 है, तो 16 ही रह गया, और कैरी 1 था, कितना हो गया, 17, ओके। उसके बाद देखते हैं था, 9 और 9 नहीं, 3 ये है, तीसरा नंबर भी आ गया, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 18 कैरी यहाँ 1 था, तो कितना हो गया, 18 1 19, ओके, इसमें भी कैरी 1 है, ये 17 था ना, इसमें 1 कैरी होगा ही, ये इसका खेला खत्म, ये हो गया। अब क्या बचा है, 9 और ये 1 2 3 3 तक हो गया है, 9 और ये क्या है, 10, कैरी 1 था, कितना हो गया ये, 11 11, ओके, 2 2 4 4 खत्म, यहाँ तक 4 खत्म। अब कितना बचा है, 3, यहाँ कैरी 1 था, तो 3 से कितना हो गया, 4, और 6 का 6 हो गया, यानी कितना आ गया घटाने पे, 6 4 1 9 7 7, ओके। घटाना किस में से, इसमें से लिखो, 7 1 5 6 3 2 घटा दो, कितना होगा, 5 ही हो जाएगा, 5 और ये कितना हो गया, ये 5 9 6 16, 4 में से 3 और ये कितना हो गया, ये हो गया 11, तो 7 में से कितना हो गया, 6 है ना, कितना हो गया आंसर, 7 3 6 5, ओके। ऑप्शन का दिख रहा है नहीं, इसका आंसर होता है डीन, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, उसमें ऑप्शन था एक नन ऑफ दीज, इसका आंसर कुछ नहीं होगा, क्लियर, इसमें इसका ऑप्शन है ही नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया इसमें, कौन एक अभाज्य अंक नहीं है, अभाज्य, तो देखो आपको पता होना चाहिए, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य, तो पहले अभाज्य जान लो, अभाज्य वो संख्या होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, जैसे एग्जांपल में दूं तो 7 7 किससे कटेगा, सिर्फ 7 से ही कटेगा, देख रहे हो, यानी खुद से कट रहा है, कट रहा है, कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 7 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 7 7, यानी क्या, ऐसा अंक जो खुद से कटे और एक से कटे वो क्या है, अभाज्य। एग्जांपल ले लो, 1 3 3 भी खुद से ही कटेगा, देखो 3 1 3, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ओके। जैसे एग्जांपल देखो, 11 19 17, उसके बाद 23 29 31 37, ये सब प्राइम नंबर, ये सब अभाज्य संख्या, ये सब खुद से कटता है, ठीक है। और एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होता है जो खुद से तो कटे, एक से भी कटे, लेकिन उसके अलावा कोई और डिजिट हो जिससे कटे, जैसे एग्जांपल में लूं, जैसे मान लिया जाए 14, ठीक है, ये 14 से भी कटेगा, खुद से कट गया, 14 क्या है, एक से भी कटेगा, उसके अलावा 14 और कुछ से भी कटेगा, जैसे देखो 2 से भी कट गया है ना, और 14 किससे कटेगा, 14 देखो 7 से भी कट गया, एग्जांपल जैसे देखो 4 4 4 से भी कट रहा है, 4 एक से भी कट जाएगा, लेकिन 4 2 से भी कट रहा है, यानी क्या, खुद से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, इसके अलावा और भी डिजिट है जिससे कट रहा है, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या, ओके। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला गया यहां पे, देखो अभाज्य अंक नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब क्या है, इसमें सब अभाज्य अभाज्य है, कोई एक है जो अभाज्य नहीं है, इसको सबसे सबको क्या करना होगा, आपको डिवाइड, आपको देखने से लग रहा होगा किससे कटेगा, देखो इस टाइप का डिजिट जो लगे ना, वो खुद प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर से ही कटेगा, आपको प्राइम नंबर से ही ट्राई करना होगा, जैसे इसको देखो ये कटेगा 391, काटोगे कितने, 17 से कट देगा, 17 2 34, और यहाँ 5 आ गया, 17 13 देखो 17 से कट गया 391, और देखो ये 23 से भी कटेगा, 23 तो कितना हो गया 611 ना, और ये देखो 7 17, यानी कि 23 कट गया 17 से, ओके, यानी कि 23 17वें मरतबे में ये कट जाएगा, 23 17 जा इतना हो जाएगा, ओके, यानी कि इसका आंसर ये होगा, ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, बाकी सब अभाज्य है, ये सब किसी से नहीं कटेगा, ओके। उसका देखो ये क्या है, एमबीआई, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल अप्रोक्स पूछ ही लेता है, ओके, तो इसको क्या करना है, 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो, इसमें करना कुछ नहीं होता है, नीचे से इसका काम किया जाता है, क्लियर, पहले इसका काम करोगे, जो आएगा जैसे देखो इसको जोड़ा जाए कितना होगा, 4 2 8 1 9, कितना हो गया ये, 9 4 2 8 1 9, 9 बटा कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 9 बटा 4, ओके। फिर क्या करेंगे, 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बाई 9 बाई 4 होगा, फिर इसका पूरा काम एक साथ करेंगे, जो जो आएगा फिर उसको ऐसे, फिर उसको ऐसे, ठीक है, तो देखते हैं करके बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है, इसको 5 6 बार सॉल्व करना, ठीक है, जो मैं बढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्या है, 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या है, 3 प्लस 1,
ठीक है, 3+1 तक लिख दिया हूँ, यहाँ तक इसका, इसको भी लिख दिया हूँ, 3+1 तक लिख दिया हूँ, लेकिन अभी मैं इसका काम करूंगा तो इसको काम करके तब यहाँ लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 1 × 9 = 4 हो जाएगा ये 9y4। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, देखो 1/4 यहाँ पे है बाय 2, इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसे कैसे लिखोगे, ये ऊपर आ जाएगा ना, कितना होगा 2/4, कैसे आता है वो भी देख लो आप, क्या है 1/4 / 2, यही है। देखो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या हो गया, बट्टा में 1 होता है ना, 1 होता है वो ऑब्वियस ही बात है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, क्लियर, देखो समझ रहे हो ना, इस नी, सबसे नीचे वाले को सबसे इधर का 1 फर्स्ट से और इसको इससे गुना करते हैं, क्लियर, समझ गए हो, इसीलिए देखो मैं क्या हूँ, इसको इससे गुना करते ना, यहाँ देखो नहीं कुछ तो बन, देखो 1/2/3 है, यहाँ पे इक्वल टू है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, नहीं कुछ तो 1 हो गया, ओके, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो इसीलिए इसको इससे गुना किए ना, तो ये यहाँ हो गया, इसलिए 3 को 1 से गुना करने पे 3 हो गया, या फिर उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ ऐसे है ना, नहीं कुछ तो 1, जैसे मान लिया जाए 2/4/6 है, यहाँ इक्वल टू है, ओके, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होता है ना, अब इसको क्या करोगे, 2/4 है ही, यहाँ 2/4 उतार दियो, इसको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ उतार दो, गुना देखे भाई 1, देखो गुना कर दो, 5 × 10 = 4, ओके समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा, ओके, वीडियो काफी लेंदी बनेगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 बार नहीं मार रहा हूँ, एक ही बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया काम, अब क्या करना है, 4 − 5 / कितना है 1 + 1/3 देखो इसका, अब मैं क्या बोलूंगा, पहले जहां पे ये लगा है ना चिन्ह मार्क्स, जहां पे जिस जहां पे कोई सिंबल है ना, प्लस माइनस जो भी हुआ है, वहां तक अब इसका काम है हम लोग करेंगे, इसका पूरा, पहले जहां तक सिंबल था ना फर्स्ट सिंबल, इसका काम कर लिए, तो ये आया नन बचा है, अब इस पूरे का काम करेंगे, क्लियर। तो देखो 1+ लिख दिया हूँ, 3 भी लिख दिया हूँ, ओके, 3 ने 1+3 हो गया, कर दिया हूँ प्लस, अब क्या मैं बोला हूँ ये ऊपर आ जाएगा, कैसे आएगा, मैं बदला दिया हूँ है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसको 4 को 1 से गुणा करने पे 4/9, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो गया, अभी इसको क्या, इसका काम, अब मैं क्या करूंगा, पूरा इसका काम करूंगा, ओके, कितना हो जाएगा 4 − 5/1 + 1/ यहाँ तक लिख दिया हूँ, इसका काम करो, कितना होगा गुणा करने पे, 9 × 3 = 27 कितना हो गया 31, 27 = 31/9, ओके, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कितना हो जाएगा, 4 − 4 लेते आ रहा हूँ, ओके, 4 − 5/ कितना है 1 + 1 है प्लस, ये क्या ऊपर आ जाएगा, ऊपर कैसे आएगा, मैं बतला रखा हूँ, तो कितना होगा 9 बटा में कितना है 31, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, तो कितना हो गया 4 - ये है ना 4 − 5/ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 31, 31 को 1 से गुना करोगे 31, और 31 में 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा 40, कितना हो गया 40 / कितना है 31 को 9, 1 से गुना कर दिया, कितना आ गया 31, 31 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया 40, 40 बचा कितना है 31, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो 40 बचा कितना है 31, ओके। अब देखो क्या करना है, 4 − 5 है डिवाइड, अब ये कहाँ जाएगा, इसको गुना करने पे 31 5 गुना हो जाएगा ना, देखो 31 को क्या करने पे 5 गुना आ जाएगा, नीचे में कितना आ गया 40, ये हो गया 40, ओके, चलो क्या है 4 − 31 को 5 से गुना करो, कितना होगा 5 × 5 = 15 155 / कितना है 40, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है 40 को 4 से गुना करो, कितना होगा 4 × 16 यानी कि 160 माइनस कितना 155 माइनस 155 डिवाइड बाय कितना है 40, चलो 40, अब घटाओ 160 में से 155 गया, कितना होगा 5 डिवाइड बाय कितना है 40, काटो कितना होगा 5 × 8 = 40 यानी कि 1/8 आंसर, ओके, इसको 3 बार 4 बार बनाओ, समझ में आ जाएगा आपको, ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, ये देखो ये आपको बताना चाहिए, जैसे मान लो 2.4 है, इसको बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, 2.4 को 2.4 सॉल्व क्या करोगे आप, ये पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट को जो ही हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा, बट्टा में एक डालोगे, एक के नीचा में कितना जीरो डालोगे, तो पॉइंट के बाद दाएं साइड जितना डिजिट होगा उतना क्या होगा जीरो पड़ेगा, तो यहाँ एक ही डिजिट है तो एक ऐसे इसको काट दो जो होगा आंसर, ओके, जैसे मान लिया जाए ये है 1/2.4, अब क्या करोगे, यहाँ तो नीचे में पॉइंट है तो इसको रिमूव करोगे, इसके ऊपर में क्या करोगे एक डालोगे, एक के बाद कितना जीरो डालोगे, जितना दाएं साइड में अंक है तो एक अंक है तो एक जीरो, ओके, जैसे सपोज करो यहाँ पे 2.478 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव करोगे पॉइंट को, तो पॉइंट जो है रिमूव होगा क्या होगा, बाय में 1 दोगे नीचे में, उसका कितना डिजिट है दाएं साइड में, तो 1 2 3 3 डिजिट, तो यहाँ पे 1 2 3, ओके, 3 जीरो पड़ेगा, काट दो जो होगा वही आंसर, ओके,
ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला गया, क्या है रूट अंडर 0.289 डिवाइड बाय 0.00001 2 1। ठीक है, तो इसको देखो रिमूव करूंगा तो बाय में क्या करूंगा, एक डालूंगा, कितना जीरो, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 1 2 3। ओके, जैसे सपोज करो एक और चीज में से मान लो 2/4 है, नीचे में 2.9, तो इसको आप यहाँ से इसको इसको भी रिमूव कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। क्यों? जैसे देखो 2.3 है बट्टा में 2.9। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इसको उड़ाऊंगा, नीचे में क्या आ जाएगा, एक आएगा, एक पे कितना जीरो, एक, एक चलो उसी तरह से इसको हटाओगे तो क्या होगा, एक, एक पे कितना जीरो, एक। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 23 हो गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2290, ओ सॉरी पॉइंट है ना, हटेगा, जस्ट सेकेंड, 2.3 है, 2.9 है। ओके, मैं क्या बोला हूँ, ये हटाओगे तो ऊपर में कितना है, 10 से गुना करना होगा। ओके, और इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो कितना होगा, नीचे में 10 देना होगा। ओके, ये करना होगा ना, तो 10 से 10 कट गया, कितना हो गया, 23/29 बचा। ओके, ठीक है, तो जैसे मान लिया 2.47 है, यहाँ पे 2. कुछ भी हो, 4.75। अच्छा, इसको मैं बाद में समझा दूंगा। ओके, तो क्या होगा, पॉइंट ऊपर ऊपर का अगर पॉइंट हटाते हो ना, तो ऊपर के बाद जितना अंक है ना, नीचे का उतना पॉइंट तक आप हटा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2.479 है, ओके, इतना है, नीचे में क्या है 4.78456, सपोज करो इतना है, इसको रिमूव करोगे तो नीचे में कितना आएगा, 3 जीरो बैठेगा ना, 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 है, तो इधर से 3 डिजिट आप अगर कर सकते हो, 3 डिजिट का पॉइंट हटा दो, इसको हटाओगे क्योंकि उस ऊपर का रिमूव किया हो, तो नीचे का मैं 3 पॉइंट तक हटा सकता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ओके, इसको बाद में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, क्लियर। अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं, आपको रट जाना है, जो जो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो सॉल्व कर रहा हूँ इसको रट जाओ एक तरह से। ओके, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक इस साल एक सीट चाहिए, तो इस साल सीट भी कमाया, पता है ना, 640 सीट कमाया, मैं वीडियो डाल दिया हूँ प्रूफ के साथ। ओके, तो देखो क्या है, इसको रिमूव किया तो 3 जीरो ऊपर नीचे आ गया। अब इसको रिमूव करता हूँ, इसको हटाऊंगा तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो एक पे कितना जीरो, 5 1 2 3 4 5 कटेगा, काटो, 3 जीरो से ये 3 कट गया। ओके, तो कितना हो गया, आप ये हो जाएगा 2890 डिवाइड में कितना होगा, 1 2 1 1 2 1। अगर इसको रूट से बाहर निकालो कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, एनीवन 7 का है, ओ सॉरी 17 का। ओके, और 2 जीरो से कितना हो जाएगा, 1 जीरो। ओके, यहाँ इसको निकालोगे बाहर कितना हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 11, 170 बाय कितना है 11, ये आपका आंसर। ओके, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखो 38, मैं क्या बदला रखा हूँ, हर एक पैटर्न आपके एग्जाम में डाल रखा है, क्लियर। तो जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 2.7, रुको 2.7 नहीं, आपको दे दिया गया मान लीजिए 29^-2, तो इसको क्या करोगे आप, इसको कुछ नहीं करना है, इतना है ना, इसको क्या करना है, बट्टा में डालना है, जो अगर मान लीजिए नहीं कुछ तो वन है, सपोज करो इतना है 29/1, 29 का पावर कितना है, -2, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इसको क्या करना है, एक्सचेंज कर दो, पलट दो, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/29 2^2, माइनस हट जाएगा, क्यों माइनस हट गया, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए ही हम लोग क्या किए हैं, इसको ऊपर से नीचे डाल दिए हैं बट्टा के नीचे। ओके, समझ गए, सपोज करो यहाँ पे अगर आपको दे रखा है 2^-9, ओके, बट्टा में 1, तो कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा 1/2^9, खिला खत्म। ओके, या फिर आपको दे रखा है 3^-4, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, बट्टा में डाल देंगे 1/3^4, माइनस हट जाएगा यहाँ से। ओके, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें माइनस में रहेगा पावर, क्या करेंगे, उसको बट्टा से नीचे ले जाएंगे, इतना सिर्फ याद रखना है, और माइनस उसके साथ हट जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर -3 का पावर दे रखा है -2, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस लगा ही रहेगा, सिर्फ ये माइनस हटेगा। ओके, क्योंकि ये तो इसका माइनस लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 का पावर कितना हो जाएगा, 2। ओके, ठीक है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, एक और वीडियो दो पार्ट में, उसमें क्या होगा, हर कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। ओके, तो देखो ये क्या लिखा है, 10^24, और ये क्या है, इनटू 10 का पावर कितना है, -1, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 1/10^21। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए, जैसे अब इसको एक को मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 10 to 2 power, माइनस 10 to 2 power 24, 10 to 2 power 24, ये ना 10 के पावर 24 है ना, तो कितना होगा 10 to 2 power 24, क्यों, क्योंकि एक से गुना करने पर इतना आ गया, डिवाइड बाय कितना है 10 के पावर 21, तो काटेगा तो इसको काटूंगा तो कितना आगा, काटने पे क्या होगा ये बचेगा 3 है ना, 21 24 में से 21 घटेगा कितना होगा 3 ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 to 2 power 3 घटाओगे तो कितना 1000। ओके तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलते होंगे कि इसको 21 से अगर 10 to 2 power 24 को 10 to 2 power 21 से डिवाइड करने पे 3 कैसे आ गया ना, इसका कुछ पैटर्न आप लोगों में से मैक्सिमम को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ओके कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर, जैसे मान लिया जाए आपको दिया गया है a का पावर m है, ओके डिवाइड दिया है a का पावर n, तो ये हो जाता है a to the power m minus n। ओके एग्जांपल दो, जैसे 9 का पावर 7 है, ओके डिवाइड बाय 9 का पावर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा एनीवन, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं होगा, बेस वही रहेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, क्या होगा इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ओके उसी तरह से यहाँ हुआ है, क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो 9 पावर 7 डिवाइड है, डिवाइड में कर दूंगा 9 पावर कितना है 2, अब काटोगे तो हो जाएगा 9 का पावर 5। ओके इसी तरह से यहाँ हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आंसर कितना आया था 1000। ओके और ये भी पता होगा आपको कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ए का पावर एन, इसका मतलब क्या हुआ, एन एंड टाइम है, बहुत बार है एन ए इंटू ए इंटू ए, अगर यहीं पे आपको दिया जाए ए का पावर एम इंटू ए टू पावर एन है तो क्या हो जाएगा एनीवन, ये हो जाएगा ए का पावर एम प्लस एन, कैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया जाए 9 का पावर 4 दिया है इंटू 9 का पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको पावर जोड़ दो, बेस यही रहेगा 9 और 4 दो छोड़ दो, इसका आंसर हो जाएगा 9 to the power 6। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया। इसके अलावा एक और इसका होता है क्या, जैसे मानो ए का पावर ये ना ए टू टू पावर क्या है एम, ये क्या लिखा रहा है ए टू टू पावर एम इंटू एन है, ये कितना हो जाएगा ए टू टू पावर एम एन हो जाएगा इंटू ए, जैसे एग्जांपल इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 जैसे देखो 4 का पावर 2 इसका पावर 2 तो कितना हो जाएगा इसमें, हाँ ये देखो 4 का पावर 4 है, ओके इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4 × 2 = 8, यानी कि 4 to the power 8 हो गया। ओके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, जिसको मैं मुझे पता है काफी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बाउंस कर रहा होगा, 5 बार 6 बार देखो 100% समझ में आएगा, अब अभी को समझना ही होगा एट एनी कॉस्ट। क्लियर, और कोई टीचर ऐसे समझाएगा भी नहीं, आप खुद देख सकते हो यूट्यूब पे बवाना, देखना पता चलेगा, ठीक है। क्या बोला गया देखो 64% किसके बराबर है, क्या बोला गया 64% 64% लगा हुआ है तो 64 हो गया, परसेंट को क्या करते हैं डिवाइड में, कितना होगा 100 काट दो इसको, कितना हो गया 4 से काटो तो कितना होगा 4 × 4 = 6 × 24, ओके और ये हो जाएगा 25 × 100, यानी इसका आंसर होगा कितना 16/25, कहीं दिख रहा है 16, ये देखो इसका आंसर ये है, ठीक है। बात को माइंड मत करना आपको, मैं क्या बोला नहीं बोला, समझ लो सिर्फ डेप्थ में कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये इस टाइप का क्वेश्चन ना, ये भी MBI, ये इस टाइप का क्वेश्चन हर साल, मतलब ये एक साल में गैप देकर हमेशा पूछ ही लेता है, तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या पैटर्न लगा है, इसमें एक बात गेस करना, जो ही आपको देखे ना कि काफी बड़ा बड़ा डिजिट है, ओके इसमें स्क्वायर लगा है, काफी बड़ा डिजिट है, नीचे मल्टीप्लाई, इसको ढूंढना कि इसमें आपको ये पता चलेगा ना कि इसका डिजिट जो है ना वो मैच करेगा हर में, देखो 893 ढूंढना कहीं 893 दिख रहा है, दिख गया 893 है ना, 786 तो ढूंढना 786 और कहीं दिख रहा है, देखो दिख गया यहाँ भी, देखो 786 यहाँ दिख गया ना, है ना, तो इसका कुछ पैटर्न है, इसमें अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, और इसी टाइप का ही पूछा जाता है, अलजेब्रा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, इसी पे हर साल क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, तो इसका क्या फॉर्मूला, यहाँ से आप एनीवन बता सकते हो कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है फॉर्मूला, एनीवन कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, देखो इसको ए मानो, ठीक है इसको बी मानो, तो क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर है, माइनस क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ए प्लस बी यहाँ, इसको ए इसको बी मान दो, ए इजकल टू 893 और बी इजकल टू मान दो 786। क्लियर, तो क्या होगा, तो देखो ए है ये और बी है, तो ए का स्क्वायर है, देखो ए प्लस बी है ना, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, दिख रहा है, तो इसका टू कितना होता है 4ab, क्लियर, क्या होता है 4ab, तो कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ पैटर्न पे बदला दो, 4 डाल दो, ओके इनटू ए कितना है, ए अभी मैं डाल रहा हूँ, ए कितना है, ए कितना है 893, तो कर दो इनटू 893, 4a हो गया, 4 डाल दियो
ए डाल दिए हम लोग, और बी, बी कितना है 786, 786 डिवाइड बाय कितना है ये देखो 893 × 786। ओके दैट्स इट। क्या होगा देखो, ये से कट जाएगा, ये से आंसर कितना हो गया 4। तो देखो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम देखना आप आंख बंद करके इसका आंसर 4 ढूंढ के मार देना, ठीक है, क्योंकि इसका देखो इसमें होता ही है यही 4 ए बी है, तो 4 ऊपर गया, ओके ए बी लिख दिया गया, नीचे भी तो ए बी है ये है, तो ए बी से भी कटेगा ना, तो आंसर हो जाता है 4। ओके इसलिए 4 आंसर। आंख बंद करके जो भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप 4 में आंसर मार दो, जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता हो ये वाला। ओके देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। 5 देखो इसमें भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, क्लियर। क्या बोला गया है, 5 अंकों का सर्वोत्तम संख्या जो 47 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अंकों का ये 5 डिजिट देख रहे हो, इसमें ये पूरा 5 अंक का ही है, इसमें से कोई ऐसा अंक बतलाओ जो सबसे हाईएस्ट हो, ठीक है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब क्या, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो 47 से कट जाए। तो आप इसमें कुछ नहीं मत करना, एक दिमाग लगाना कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, क्योंकि बोला ही बोल ही रहा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू से कटना चाहिए, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो। तो कौन है, एनीवन ढूंढ सकते हो क्या आप लोग? कौन सा होगा इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू, एनीवन? देखो तो करना कुछ नहीं, इसमें से देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन लग रहा है आपको, ये लग रहा है या फिर ये लग रहा है, ये लग रहा है, कोई नहीं बता सकते हो क्या? ये तो सिंपल सी है, ये तो पता चलना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ देखो 9969, यहाँ देखो 69, पहले इसको देखो 9999 तक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो 49 है ना, यानी क्या ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इसको देखो तो इससे भी ये बड़ा है, इसको देखो तो इससे भी बड़ा है, तो कितना हो गया 999, 2 2 4 6, ठीक है ना। और इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला 47 से, इसको 47 से डिवाइड करो, कट रहा है, अगर कट गया तो समझो यही आंसर, अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा, काटो। जिस काफी जो कम कम कमजोर होगा ना वो भी इसे सॉल्व कर पाएगा, अगर 2 से करूंगा कितना होगा 7 × 14 = 15 × 10 × 7 × 8 = 9 × 14 = 14 × 8 = 9, 94 हो रहा है ना। ओके अगर इसको 3 से करोगे तो 7 × 1 = 4 × 12 = 13, यानी कि 2 से कट जाएगा ये ना, 2 से काटो तो 94 आ रहा है ना, इसको काटो, जो आंसर होगा ना वही होगा, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है ना, इसको काट के देखो 47 से, अगर कट गया तो यही आंसर, अगर ये नहीं कट रहा है तो इसके बाद का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ना वो देखो, यहाँ पे कितना 49 है ना, और कहीं 3 9 दिख रहा है 2 9, ये देखो 3 9, इसको काटना, इससे ये भी नहीं कट रहा है तो क्या करना 2 9 वाला इसको काटो, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा ना उसको 47 से काटना, कट गया तो वही आंसर, अगर वो नहीं कट पा रहा है तो उससे थोड़ा सा लो वाला देखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं काट खूट करने में। ओके ये आप खुद से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या करना है सिर्फ आपको पैटर्न सीखना है कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया, किस भिन्न का मान सर्वाधिक है, इसका मतलब क्या, किस भिन्न का मान सर्वाधिक, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको कि इसको ये दिख रहा है ये वैल्यू, इसको काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, काटने पे जो जो वैल्यू आएगा ना सबको कंपेयर करना है किसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रहा है। ओके जैसे मान लीजिए एग्जांपल लो, पहला ए में क्या बोला गया 13/16 है, इसको काटो ना आप, काटने में क्या जा रहा है, कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 डालो कितना होगा 16 × 32 = 48 + 16 = 64 × 16 = 85 8 से हो गया, फिर कितना होगा 1 2 5। ओके उसी तरह से सबको काटो, बी में कितना है 60/12 काटो, नहीं कुछ होगा तो पॉइंट यहाँ 0, 24 × 36 = 36 × 12 = 36 × 72 × 72 = 5 होगा, तो पॉइंट के बाद 5 है। ओके याद रखना पॉइंट के बाद 5, यहाँ पॉइंट के बाद 8, एक एक डिजिट भी निकालोगे ना पता चल जाएगा। सी में कितना है 5/8 काटो कितना होगा, होगा 8 × 5 = 40 × 6 = 48 6 हो गया, और डी में कितना है 16/29 ना 0.0 दुना 9 × 18 × 4 = 5, ये कितने से कटेगा, ये पॉइंट फाइव। ओके देखो इसमें सबसे हाईस्ट क्या लग रहा है, देखो सबसे हाईस्ट ये लिख रहा है ना, पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, 0.5 0.6 0.5 है, तो 0.5 है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि इसको काटने पे क्या होगा सर्वाधिक मान आ रहा है, आ रहा है। ओके समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आंसर। ओके इसी तरह से आपको सबको काट करके देखना, पॉइंट में आए कोई बात नहीं,
जी देखो यहाँ पॉइंट मान लिया जाए सब सबका 0.55 आ जाता, तो क्या करता, लास्ट टू डिजिट निकालो, फिर इसको एक बार और काटता, ठीक है, क्योंकि 0.5 है, इसके बाद कुछ और आएगा ना, तो वो देखना किसमें कितना आ रहा है। ओके इसको क्या बोला गया, थर्टीन, क्वेश्चन नंबर 34, अगर √15 इक्वल टू 3.88 है, ओके यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि √15 का मान 3.88 है, तो बोला गया है √5/3 का मान होगा, यानी कि √5/3 का क्या वैल्यू होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे देख लो इसी का मान निकालना है ना, सिर्फ इसका मान निकालना है, ये इसका मान तो दे रखा ही है इसका, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है आपको एक बात, कोई बहुत कम लोग बताएगा, जैसे √15 का मान दे रखा है ना, तो √15 आएगा आपको, इसको कुछ कुछ भी करो, सॉल्व करो, जो करो, √15 आएगा ही, तब ना इसका वैल्यू पुट करोगे वहां पे। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व करते क्या दे रखा है, √5/3। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनीवन, √5/3 है तो इसको क्या कर सकते हो, एनीवन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 में भी रूट लगा है, 3 में भी रूट लगा है, तो √5 हो गया, √3 हो गया, ये समझ रहे हो ना, टोटल पूरा रूट के अंदर 5 और 3, इसका मतलब क्या, 5 में भी रूट है और 3 में भी रूट है, तो 5 में रूट इसमें थ्रू, इसको क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला होगा अंश हर में, उस हर वाले को क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, क्यों देखो, क्योंकि ऐसे ऐसे डिवाइड, इसको डिवाइड कर दूंगा ना फिर भी एक ही होगा, तो यानी कि डिवाइड करो चाहे नहीं करो बात बराबर है ना, इसीलिए मैं क्या कर क्या हूँ, इसको √3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, क्योंकि इसको गुणा करने से इस पर कोई असर ना पड़ना चाहिए, कोई असर पड़ रहा है, इसको काट दूंगा, एक हो गया। ओके ठीक है, तो करो क्या होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, √5 को √3 को गुना करोगे कितना होगा, √15 डिवाइड बाय √3 को √3 से गुना करो कितना हो जाएगा, ये कितना, एनीवन 3 है ना, √2 को √2 से गुना करोगे तो 2 होता है ना, उसी तरह रूट सेम डिजिट को अगर गुना करोगे रूट से तो वो क्या होगा, उसमें से रूट निकल जाएगा। ओके ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा बाद में आपको, मैक्सिमम को पता भी होगा। ओके तो कितना हो गया, √15/3, तो √15 का मान दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है ना, 3.88 डिवाइड बाय 3, काटो इसको, 3 का 3 कट गया। ओके पॉइंट अब 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 × 2 = 6, तो यहाँ 2 आ गया, 3 × 7 = 3, 8 = 24, 3 × 9 = 27, यानी 1.29। ओके ये इसका आंसर होगा, 1.29 दिख रहा है, देखो 1.29, 1.1 है, कहाँ गया 1.29। ओके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आई है। ओके ये कब पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है 2019-20 हो गया, ये 19 का है शायद। ओके क्या बोला गया है, देखो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत बार, इसको भी MBI मार लो। ओके रिपीट होते रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। ओके इसमें क्या बोला गया, देखो 84 कितने प्रतिशत है 7 का, तो कुछ भी दे रहे ना, 8 कितने प्रतिशत है 9 का, 10 कितने प्रतिशत है 7 का, इसमें ये ध्यान रखना, एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें हेड कौन है ये याद रखना, इसमें बाप बाप कौन है, यानी कि इसमें फादर कौन है, इसमें ठीक है, मतलब इसमें हेड कौन है, आपको क्या लगता है, 7 का यानी कि 84 कितने प्रतिशत है, किसका, 7 का, 7 के बारे में बात कर, इसको 84 किसी को नहीं पता, सब किसका एड्रेस पूछ रहा है, 7 का, कि 7 का कौन है, पूछ देख रहे हो ना, किसका एड्रेस पूछ रहा है, 7 का, यानी क्या, 7 का कौन लग रहा है, ऐसे आपको इमेजिन करना है, यानी क्या, किसके बारे में बात कर किया जा रहा है, किसी के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन हेड किसको माना गया है, 7, क्योंकि 7 के बारे में पता करना है, 7 का क्या है ना, यहाँ जैसे यहाँ दे दिया रहा था 9 कितने प्रतिशत है 24 का, तो किसका, 24 का, यानी क्या, 24 हेड है। ओके समझ गए यहां तक, तो जो हेड रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको बट्टा के नीचे डालेंगे, जैसे 84 कितने प्रतिशत, किसका, 7 का ना, तो 7 का, 7 को नीचे डाल दो, कितने, किसका, 7 का, कितने, 84, किसके बारे में बात किया जा रहा है, 84, तो 84 को डालेंगे ऊपर, क्यों, नीचे में बेस में वही डालते हैं जो है ना, जो मेन वैल्यू होता है। ओके तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ, आपको सीधे समझ लेना है, एक तो समझो कि रट्टा मार लो, ठीक है, अब कोई चांस ही नहीं आपके पास, 84 कितने प्रतिशत, 7 का, किसका, 7 का, 7 के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि 7 का कितना परसेंट है, तो 7 को नीचे डालूंगा। ओके और जिसके बारे में बात किया जा रहा है 84 को, 84 कर दो, अब परसेंट पूछ रहे हैं ना, गुना डिवाइड में 100 कर दो, काट दो, कितना होगा, 7 × 7 = 14, यानी कि उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1200, यानी क्या, 1200% है, कहाँ गया 12%। ओके समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 13, क्या लगा है, कौन सा एक अभाज्य अंक है, अभाज्य वही मैं बोला हूं ना, एक होता है अभाज्य, एक होता है अभाज्य, अभाज्य किसे बोलते हैं, जो खुद से कटे और किससे कटे, एक से कटे। ओके समझ रहे हो ना, इसमें
इसमें कौन अभाज्य अंग है, यानी कि कौन अभाज्य है जो किसी से ना कटे है? आपको लग रहा है इसमें कौन ऐसा है जो अभाज्य है? तो देखो 319 किसी से नहीं कटेगा, और ये सब किसी किसी से कट जाएगा। पहले वाले में क्या था, ये 2019 में, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, मैं दिखलाया था ना, है ना, इसी टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन, देखो रिपीट होते रहेगा। क्लियर? ये सब क्वेश्चन जितना मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछा जा रखा है ऑलरेडी, हो गया। तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये सब कट जाएगा। ओके, कैसे पता चलेगा? सबको काटना है आपको। देखो ये भी 2019 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछ रखा है, क्वेश्चन टकराया है। देखो क्या मैं बोला हूँ, देखो इसमें 800 सबसे बड़ा वाला डिजिट दिख रहा है, इसमें 893, अपने 893 देखो, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, इसका मतलब क्या, इसमें जेबरा का कौन फॉर्मूला लगा, यहाँ देखो इसको, देखो ये 786 कहीं है, देखो 786 यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया। और इसी तुम्हें बोला इसका आंसर आंख बंद कर कितना मारने के लिए, 4, मैं बोला हूँ ना ऑलरेडी 4 मारने के लिए, कैसे, तो वो देखो, देखो ऑप्शन में 4 दे भी रखा है ना, कुछ नहीं करना है। ये कौन से फॉर्मूले पे बेस है, ये है, इसको क्या मान लूंगा, ए बराबर कितना है 893, और बी बराबर कितना है 786। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ देखो क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका रूट कितना होता है 4ab। क्लियर? तो 4ab मतलब क्या, 4 दो लूंगा, ए कितना है, ए 893 है, बी कितना है 786 इंटू 786 डिवाइड बाय कितना है 893 इंटू 786, तो 786 कट गया, इसी कटे कितना बच गया 4, तो 4 हुआ आंसर। ओके, ये देखो ये आंसर क्वेश्चन नंबर, ये 15 क्वेश्चन हमारे। ओके, इसमें वही पैटर्न, कुछ नहीं करना इसमें, ये भी बहुत सिंपल है। ओके, एग्जाम में ये मत करना, कोई क्वेश्चन में अगर स्टक कर गए, स्टक बोले तो स्टक कर, रुक गए हो, फंस गए हो, तो उसको स्किप मार दो, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में आके उसे सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ आप ये सॉल्व कर लो ना, मेरी गारंटी है ना, आपका 20 मार्क्स सिक्योर है। ओके, इसी पे मैं हर दिन क्या करूंगा, दो चार मतलब एक एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, ताकि प्रैक्टिस करते, आपको प्रैक्टिस में रहना है। ओके, एक ही देखो 100 बुक को एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, एक बुक को 100 बार पढ़ जाओ, हर एक चीज आ जाएगा आपको, ठीक है। उसी तरह से एक ही वीडियो को 5 बार 6 बार देखो सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या इसमें बोला गया है ना, रूट ही है क्या, 9.5 इंटू 0.0085 इंटू क्या है 18.9 डिवाइड बाय क्या है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 0.021। ओके, ठीक है, तो मैं क्या बतला रखा हूँ इसमें, मैं एक कॉन्सेप्ट बतला रखा था आपको कि जैसे देखो अगर पॉइंट के बाद एक इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे बट्टा में 10 देंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट को हटाया हूँ यहाँ से, दाएं साइड में एक एक अंक है, तो इधर से भी पॉइंट को हटा के ना मैं एक पॉइंट इधर घसका सकता हूँ। ओके, तो देखते हैं पहले ऊपर में कि कितने, आप सिंपल वही भी कर सकते हो जो मैं बतला रखा हूँ, एक हटा बटा में एक 10, फिर यहाँ पे इसको हटाओगे तो गुना करके कितना है 1 2 3 4, है ना, एक पे कितना 0 3 4, ऐसे भी कर सकते हो, फिर कितना है 1 0 है, चलो इसको गुना करके ऐसे। ओके, या इसको हटाऊंगा 1 2 3 4, तो एक पे कितना 0 4। ओके, फिर ये हो गया, उसके बाद ये देखो एक पे कितना 0 है 1, एक पे कितना 0 1। ओके, और उसके बाद ये भी इसी में है तो इसको हटाओ, एक पे कितना 0 है 1 2 3। ओके, एक पे कितना 0 1 2 3। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, काटो आप 1 2 3 4 5 6 6, है ना। ओके, चलो 1 2 3 4 5 6, ये घट गया, ये पावर 6 कितना हो गया 95 इंटू 85 इंटू 189 डबल 0 डिवाइड बाय कितना है 17 इंटू 19 इंटू, ये कितना है 21। ओके, कटेगा, इसको काट कूट करो, ये रूट लगा हुआ है, जो होगा वही आंसर होगा। ओके, कट रहा है देखो, तो 19 19 19 57 कटेगा। ओके, काट खुट के जो भी इसका आंसर ना 150 आएगा, कितना 150। ओके, पैटर्न से मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अगर मैं क्या बता रहा हूँ इसका, एक और क्या पैटर्न होता है, जैसे देखो जैसे मैं होता तो मैं क्या करता इसका, ये देखो मैं कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये मैं यहाँ पे दिखता है ना कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, देखो एक पॉइंट का यहाँ एक अंक है, एक काउंट करूंगा, यहाँ पॉइंट का कितना है 1 2 3 4, चार है ना, चार यहाँ भी एक, तो कितना 4 यहाँ, यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6 ऊपर, यानी पॉइंट के बाद ऊपर 6 डिजिट है, नीचे देखो कितना है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक है 5, 4 1 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, और यहाँ कितना है 5 6 7 8, यानी 8 है, यानी ऊपर में 6 है, नीचे में कितना है 8,
तो क्या करूंगा मैं इस पॉइंट से इसको घटाऊंगा है ना, इसको इसको हटाऊंगा तो कितना होगा, छह तो चला गया, यानी कि नीचे का छह कट जाएगा, नीचे का छह जीरो हट जाएगा, समझ रहे हो ना। पॉइंट सिक्स मतलब क्या, ऊपर में ना पॉइंट, ऊपर में पॉइंट सिक्स है, नीचे में कितना है पॉइंट एट, तो ऐसे सपोज करो, तो इसको हटाऊंगा तो ऊपर में ना एक पे आठ जीरो, इसको हटाऊंगा तो नीचे में एक पे छह जीरो, ये इतना जीरो है। पॉइंट सिक्स मतलब क्या, नीचे में एक पे छह जीरो पड़ेगा, पॉइंट आठ है इसका मतलब क्या, इसके ऊपर में पॉइंट में आठ जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर में कितना है आठ, नीचे में कितना है छह, तो छह से ये कट जाएगा, तो कितना दो जीरो एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो ऊपर में दो जीरो एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्लियर। ओके, यानी कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिखूंगा 95 इंटू 85 इंटू 189, दो जीरो बच गया ना, यहाँ छह यहाँ आठ है, दो जीरो कम पड़ रहा है यहाँ पे है ना, तो क्या करूंगा मैं दो जीरो बैठा दूंगा, क्लियर। बस इसको भी सेम रूप से उतार दो, 719 इंटू 21 काट दो रूट लगा के, जो होगा वो आंसर। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन काफी यार पूछा गया, इसमें काफी अच्छा दिमाग लगाना होता है, काफी नहीं एक ही मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें तरीका कौन सा लगा है। ओके, यहाँ कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ देखो यहाँ पे क्या ढूंढो, क्या बोला गया एक्स का मान, तो यहाँ एक्स का है, यहाँ देखो यहाँ 0.4 टू द पावर एक्स, 0.4 टू द पावर एक्स, यानी क्या 0.4 का पावर एक्स है, समझ रहे हो, मैं जिसमें बोलता हूँ 2 to the power 5 मतलब क्या 2 का पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ देखो एक्स का मान पूछा गया, तो एक्स यहाँ कहाँ है, देखो यहाँ 0.4 का पावर एक्स है, यानी क्या आपको निकालना है 0.4 का पावर एक्स कितना होगा। तो इसका मतलब क्या, जिसमें भी पावर में एक्स लगा रहे ना, आपको ये इमेजिन करना है एक्स रहे एन रहे जो भी रहे, अगर पावर में एक्स है कुछ भी है, तो जिसके पावर में एक्स है, किसके पावर में एक्स है, तो 0.4 के पावर में एक्स, तो आपको ना सबको 0.4 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबको 0.4 करना है, सबको जो ऑलरेडी है उसको छोड़ देना है, उसको उसी तरह उसी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो देखो 0.4 का कितना है, 0.4 का पावर एक्स, इसका मतलब क्या कि आपको ना सबको 0.4 में कन्वर्ट करना है, तब तो समझोगे ना कि इसका पावर एक्स कितना है, यानी क्या 0.4 का पावर एक्स मतलब क्या 0.4 पे कितना पावर है, तो 0.4 को सब सभी को 0.4 में कन्वर्ट करना होगा, क्लियर। तो देखो ये तो ऑलरेडी है, इसको करूंगा, तो ये क्या लग रहा है आपको, 4 का पावर कितना है, 4 को 4 से गुना करूंगा कितना होगा, 4 चौका 16, यानी कि 4 के पावर 2 है, इससे भी नहीं हुआ, 16 है, फिर इसको एक और 4 से गुना कर दूंगा कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी क्या 4 के पावर कितना 3 है ना, 4 को 4 से गुना के यानी कि 4 के पावर स्क्वायर हुआ तो कितना होगा, 4 चौका 16 ही आया, फिर एक और 4 से गुना कर दिए तो कितना होगा, 16 चौका 64, यानी कि 64 आ गया, यानी कि ये 64 आ गया, तो कितना 4 डालने से, तो 1, 2, 3 यानी कि 4 के पावर 3। ओके, काफी बच्चे की तरह समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको कितना भी कमजोर हो आपका मैथ आप समझ जाओ, आपका कितना परसेंट भी मैथ का तैयारी है, अगर ये कर ले जाते हो तो समझ लो आपका 30% प्रिपरेशन इसी से हो गया। ओके, क्योंकि 30% पोर्शन ये कैरी करता है एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है एट एनी कॉस्ट, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, और क्या करना है, शेयर करना है एज मच एज यू कैन। ओके, हमेशा चैनल से बने रहना है, और आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम का क्या नाम है, तो देखो आवर OUR है। ओके, आवर रूट्स, रूट्स एक ये है और एक है आवर रूट्स चैंपियंस, CHAMPIONS, चैंपियंस टॉक, TALK टॉक। ओके, TALK टॉक है, इस पे आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, आप इसमें कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते हो, आवर रूट्स चैंपियंस टॉक में आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, जो भी मैं कंटेंट दोनों पे डालूंगा। ओके, दोनों पे मैं डालता हूँ, हर एक चीज दोनों पे मिलेगा, क्लियर। इसमें यह है कि इसमें आपको कुछ आप शेयर नहीं कर सकते, इसमें आप शेयर कर सकते हो, कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या मैं बोला हूं, सबको क्या करना है, पावर पॉइंट फोर में के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है, तो ये कितने का पावर 4 है, इसको पॉइंट फोर में करना है, तो पॉइंट फोर मतलब क्या, यानी 4 पॉइंट को भी भूल जाओ, 4 है यानी 4 का कितना पावर ये, तो देखो 4 को 4 से कर दिए तो 1 4 चौका 16 हुआ, नहीं हुआ, एक और 4 डाल दो तो 16 चौका 64, यानी क्या 4 का पावर कितना 1, 2, 3, यानी 4 का पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। तो पॉइंट को पॉइंट उसी तरह रख दो, कितना 0.4 का पावर कितना हो जाएगा ये 3, क्योंकि 3 बार जोड़ने से होगा, ये कितना है इनटू ये क्या है 0.4 का पावर 7। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 0.4 टू पावर कितना है एक्स, ये उतार दिया हूँ, यहाँ देखो ये कितने पावर है, एनीवन ये 4 का कितना पावर होगा, तो देखो पहले अभी इस 2 को भूल जाओ, 2 का काम करेंगे बाद में, पहले इसको 0.4 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि 4 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो,
चार में, ओके। तो देखो अब जीरो को क्यों मैं, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक जीरो, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट का एक जीरो, यहाँ 0.4 है ना, देखो 0.4 आ जाएगा, ये पॉइंट है ना। अच्छा ये तो छोड़ो, अभी पॉइंट वॉइंट आप भूल जाओ, सिर्फ क्या करना है इसको चार के फॉर्म में, इसको चार के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखो चार को चार से गुना कर दो, कितना होगा, 4 चौक 16, फिर चार गुना कर कितना हो गया, 64 हो गया, ओके 64 ही हुआ। मेरे को कितना चाहिए, 256, 256 चाहिए, फिर चार से गुना कर दो, कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 16 हो गया, 1 24, 1 हो गया 25, 256 ही हुआ, ओके 256 हो गया, यानी कितना कितना चार हुआ, 1 2 3 4 5, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 को 4 से गुना किया कितना हो गया, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256 हो गया, ओके। यानी कितना चार हुआ, 1 2 3 4, कितना हुआ, इंटू 0.4 का पावर कितना, 4। इसका पावर कितना है, इसका भी पावर कितना है, इसके पे पावर 2 लगा है, देख रहे हो ना, इसके पावर 2 लगाना है, यहाँ समझो 256 करना है, किसको 256 करना है, तो 0.4 लाना है, 0.4 का यानी क्या, 4 का कितना पावर लाऊं कि 256 हो जाए, यहाँ लाए थे ना 4 का कितना पावर करूं कि 64, तो 4 का 3 पावर था 64, उसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करते गए, देखो 4 4 चौका 16, 16 नहीं अभी भी 16 ही आया, फिर 4 एक और 4, 16 चौका 64, 64 ही आया, फिर एक और 4 गुना कर दो, 64 को 4 से गुना करने में कितना आ रहा है, 56, 200, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, 256 हो गया, यानी क्या 1 2 3 4, 4 का पावर कितना, 4 करने से कितना आ गया, 256, ओके। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके ये तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ देखो 4 हो गया 0.2 to power 4, मतलब 0.42 to power 4, यहाँ पे क्या है पावर 2, तो इसको पावर 2 कर दिया हूँ, ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके तो कितना हो गया, 0.4 into 0.1, 0.4 power 3, ये 0.4 power कितना है, 7, ओके ये क्या है 0.2 to power 4 to power x into क्या है 0.4 power कितना होगा, 4 × 8, मैं बताया था ना अगर मान लिया जाए a to the power m है ना, का पावर n है तो कितना हो जाता है, a का पावर m into n, यानी क्या गुना a to the power m n, ओके तो एक बार कितना होगा, 4 × 8 हो गया, गुना कर दिया 4 × 8, ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ओके। तो मैं क्या बदला रखा था, जबकि a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस n, मतलब क्या अगर 7 का पावर 4 है इंटू 7 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 7, क्यों बेस सेम रहेगा, बेस a देख रहे हैं, a का पावर m, a का पावर n, तो a बेस वही रहोगा, लेकिन क्या हुआ इसका जो पावर था ना वो क्या हो गया, जुड़ गया, जुड़ गया वही 7 बेस इसी तरह रह गया, पावर को जोड़ दिया 4 3 हो गया 7, ओके उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम लोग, ओके okay, तो करो क्या होगा 0.4 0.4 यहाँ भी है तो 0.4 का पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस 7, 3 ये 7 जुड़ गया, ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके यहाँ क्या है 0.4 0.4 0.4 बेस वही है, पावर क्या है x, इधर पावर क्या है 8, जुड़ गया, ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कितना हो गया 0.42 to power 7 3 10 इक्वल टू 0. क्या है 0.4 का पावर कितना है यहाँ x प्लस 3, ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो 0.4 कट गया, ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू x प्लस 3, यहाँ देखो 10 बचा ना सिर्फ, तो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया x बचा है प्लस 3 है, तो देखो x प्लस 3, ओके तो अब कितना हो जाएगा x बराबर 10 में से 3 गया 7, यानी x का वैल्यू 7 हो गया, कितना हो गया ऑप्शन नहीं है, यानी क्या आंसर इसका 7 है, क्लियर, नन ऑफ दीज होगा, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास सॉल्व करूंगा, क्लियर, अभी भी देखो काफी क्वेश्चन है, ओके वीडियो काफी लेंदी हो गया, एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना उसका वीडियो में डाल रखा हूँ, एक मोटिवेशन वीडियो भी डाल रखा हूँ, इस साल सीट कम है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ, अभी तक किसी को शायद नहीं पता होगा, ओके तो करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना है, बने रहना है, जो जो वीडियो में देखो एज में कंप्लीट कर दिया हूँ, परसेंटेज एक वीडियो डाल रखा हूँ, उसके बाद एज का 2 वीडियो बना है उसी में एज खत्म है, ओके एवरेज बतला रखा हूँ उसी में एवरेज खत्म, सिर्फ एक पैटर्न हर एक चैप्टर का बतलाया हूँ उसी पैटर्न पे आपका क्या होगा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।
तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड पार्ट. ओके, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं. क्लियर? तो आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में सबसे स्कोरिंग टॉपिक यही है. ओके, पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर पैरामेडिकल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहीं से पूछा जाता है. कितने मार्क्स से पूछा जाता है? तो 20 से 30 मार्क्स सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाता है. ओके, तो इसका सेकेंड वीडियो है, एक पार्ट में वीडियो बना रखा हूँ. ओके, तो जो भी स्टूडेंट दोनों पार्ट देख लेगा उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो 20 से 30 मार्क्स 100% ले आएगा. ओके, बशर्ते क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए. जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए. सेम इसी पैटर्न पे आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा. ओके, क्यों? क्योंकि हर साल क्या है, इसका पैटर्न रिपीट होता है. और आपके एग्जाम में ना क्या किया गया है, हर एक पैटर्न को डाल दिया गया है. क्लियर? तो ये सब क्या है, क्वेश्चन बैंक ही है प्रीवियस. अभी से लेकर जो भी पूछा गया प्रीवियस ईयर वही सब है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट वॉच कर लेना है क्योंकि उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रखा हूँ. क्लियर? तो देखो इसमें क्या पूछा गया, एक्स का मान. तो जो ही एक्स का मान पूछे तो आपको ढूंढना है इसमें कि एक्स कहाँ कहीं है, एक्स दिख रहा है. तो ये देखो 0.42 एक्स, यहाँ एक्स लगा हुआ है. ओके, यानी क्या इसका मतलब ये है कि 0.4 पे कितना पावर होगा टोटल. तो इसका मतलब क्या, 0.4 पे पावर पूछ रहा है तो सबको 0.4 में कन्वर्ट करना है, इसको 0.4, तभी तो 0.4 का पावर निकलेगा, है कि नहीं. यहाँ तो 64 है, यहाँ 256 है, तो इसको 4 में, इसको 4 में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी 4 में कन्वर्ट करना होगा. तो ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 64 है, ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा, एनीवन? तो 4 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो पहले तो 4 लिख दो. तो 4 पे कितना पावर होगा ये दिखना होगा, है ना, तब तो 4 पे कन्वर्ट होगा ये. तो 4 पे कितना, अगर 2 लिख दूं 4 चौका 16 अभी भी नहीं होगा. फिर एक और 4 से गुणा कर दूं तो 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 पे कितना पावर हो जाएगा, 1, 2, 3, है ना, 4 के पावर 3. ओके, ठीक है. इसी तरह से 256 को भी करना होगा. तो देखो ये कितना होगा, 0.4 का पावर कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 × 4 है ना, 4 × 16 = 16, यानी कि 0.4 × 3 × ये ऑलरेडी है 4 का पावर ऑलरेडी, तो इसमें कुछ करना नहीं, 7 है. ओके, इसको 0.4 पावर कितना है, 0.4 × एक्स, चलो इसमें कुछ नहीं करना है. इंटू ये क्या है, 0.4 पावर कितना होगा, 256 है ना, ये देखो 4 × 16 = 64, इसको 1 8 से गुना कर दोगे 64 को 4 से, 4 × 16 = 24, 1 25, यानी कि 256. यानी क्या, 4 का पावर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, है ना, 0.42 कितना होगा, 4. लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर भी लगा है, तो चलो इसको पावर 2 कर देते हैं. ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब देखो ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रखा हूँ, कल भी बता रखा था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट. मान लो 8 × 10 कितना है, m. ओके, इंटू 8 × n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n, यानी कि m और n का पावर जुड़ जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी का बेस सेम है ना, जैसे एग्जांपल दो, जैसे 9 का पावर कितना है, 6. ओके, इंटू 9 का पावर है 7, तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 का पावर 6 + 1 = 7, इसका 9 का पावर हो जाएगा कितना, 13, 6 × 12 = 13 हो जाएगा, यानी 9 × 2 कितना हो जाएगा, 13. ओके, ये होगा, जैसे मान लीजिए 6 × 2 है इंटू 6 × 8 है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 10. ओके, ये 6 × 2 रहेगा इंटू 7 × 2 रहेगा, तो फिर क्या करना होगा, 6 × 6 = 36 करना होगा, इंटू 7 × 7 = 49 करना होगा. ओके, अगर बेस दोनों का अंतर है वो होगा ना, तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर करके लिखना होगा, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर दोनों को गुना करो. लेकिन जब दोनों का बेस समान रहेगा ना, तो पावर को जोड़ देंगे. ओके, देखो बेस वही रहा, दोनों का पावर जुट गया. ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो चलो लिख देते हैं 0.4, बेस इतना ही है. पावर कितना है, 0.3, इसका पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 7 कितना हो जाएगा, 10. ओके, इक्वल टू, यहाँ देखो 0, ये क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लो, 0.4 × x इंटू ये क्या है, 0.4 का पावर कितना है, 4, इसका पावर 2. देखो इसका भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लिया जाए अगर a का पावर m है, ओके, इंटू n, इसका भी पावर n, एक पावर m, इसका पूरा के पूरे का पावर कितना है, n, तो ये कितना हो जाएगा, एनीवन, ये हो जाएगा 8 × m × n. ओके, ठीक है, तो इसको कैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए 9 का पावर है 7, ओके, इसका पावर है 2, तो कितना हो जाएगा, ये 9 का पावर हो जाएगा 7 × 14, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 का पावर कितना हो गया, 14. क्लियर? ठीक है, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको मैं कल बतला रखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट वॉच करना जरूरी है. ये कितना है, 0.4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 × 8, है ना, 4 × 8. ओके, अब कुछ नहीं करना है, हो गया सॉल्व. 4 का पावर कितना है, 10 = 0.4, यहाँ 0.4, चलो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0.4 पावर कितना हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है. ओके, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, तो ये x और ये 8, तो कितना हो जाएगा, x + 8. ओके, तो 0.4 हट गया, कितना बचा, 10, है ना, ये 10 = कितना है, x + 8, तो x पावर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2. ओके, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2, ये आंसर, ये इधर कहीं 2 दिख रहा है,
ऑप्शन में कहीं एक्स दिखो तो, ऑप्शन में कहीं दो दिख रहा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर कितना है, सी, ठीक है, ये रहा आंसर। ओके ठीक है, क्या बोला गया इनमें, किसका मान सर्वाधिक है, मतलब क्या चारों जो ऑप्शन दे रखा है ना उसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको इसको इसको, चारों को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना वो उसमें कंपेयर करना है कि किसका हाईएस्ट वैल्यू है, वही आंसर होगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, 2 का पावर -1, तो कल में एक कॉन्सेप्ट बदलाया था इसलिए मैं बोला हूँ कल का वीडियो देखना कंपलसरी, कल का वीडियो आपको देखना ही चाहिए। ओके, अगर 1 का पावर n/1 है तो ये हो जाएगा 1/1 to the power n। एग्जाम्पल दू, जैसे 2 का पावर -7 है तो कुछ नहीं होगा, इसको पलट दो, 1/2 का पावर 7 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 4 का पावर -7 divided by 8 है तो कुछ नहीं होगा, जैसे जो ही पावर माइनस में दिखा ना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर दो, 8 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर? 8 ऊपर चला गया, इसको क्लियर कर दो थोड़ा, क्या हो जाएगा ये 8 ऊपर 4 नीचे, पावर -7 है तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ -4 का पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 है, ये हो जाएगा 1/4 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब सॉल्व करता हूँ इसको, कल वाला वीडियो आपको देखना ही है। ओके, तो ही जाके क्या होगा समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस तरह से नहीं समझाऊंगा जो ऑलरेडी समझा रखा हूं, तो वीडियो क्या होगा लेंदी। तो क्या है, 2 का पावर -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर? -1 में कोई बात नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, किसी चीज पे पावर 1 वही वैल्यू होता है, 2 का पावर 1 = 2, 4 का पावर 1 = 4। ओके, तो इसका पावर क्या है, हो गया ये पावर कितना है, 0। ओके, इसका पावर कितना है, 2। तो किसी चीज पे वैल्यू, किसी चीज का पावर अगर 0 हो ना तो वो 1 होता है, तो 1/2 की पावर 0 = 1, ये भी 1 होगा, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 1 का पावर 2 मतलब क्या, 1 ही ना। ओके, उसके बाद बी देखो, बी में क्या है, 4 का पावर 0 है, तो किसी चीज की पावर 0 = 1, तो ये भी हो गया 1। ओके, 1 का पावर कितना है, 1/2 है। ओके, 1/2 -1/2 कुछ भी रहे तो वो चेंज 1 ही होगा ना, पावर में स्क्वायर कर दो, ये इसको जो सॉल्व करने के क्या आएगा ये 1 ही आएगा। ओके, उसका देखो सी, सी में क्या बोला गया, 2 का पावर -2 यानी क्या, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ओके, मैं 2 में माइनस पावर है ना, सिर्फ 2 ही में लगाऊंगा। ओके, चलो 2, ठीक है, उसका पावर क्या है, -1, अब पूरे का पावर कितना है, 2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, इस पे लगाओ या फिर पूरे पे लगा दो, जो बात बराबर ही होगा। ओके, अगर यहाँ स्क्वायर कर दोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 ही है ऊपर में ना। ठीक है, ठीक है, क्या है, माइनस, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ 1/2 का पावर 2 था तो 1/4 हो गया। ओके, -1 है, चलो -1 लगा देता हूँ, इसका पूरे का पावर कितना है, स्क्वायर, यहाँ फिर भी फिर से क्या है, यहाँ 1/4 का पावर -1 फिर से माइनस पावर में आ गया, तो क्या करूंगा, इसको फिर से पलटूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा, इसका काम खत्म। अब क्या है, पावर में स्क्वायर है, चलो स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 का 16, इसका आंसर 16 हो गया। ओके, अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, डी का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या है, 2 का पावर -1 यानी क्या, 1/2 हो जाएगा ये भी, है ना, 2 का पावर -1 मतलब क्या, 1/2, इसका पावर 2, फिर से इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 4 हो गया, तो कितना जाएगा, 2 × 4 = 8 × 16 यानी कि ये हो जाएगा 1/16। ओके, क्यों, 2 को 4 बार लिखना है, 2 2 2 2। ओके, 16 हो जाएगा, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, ये रहा 16, इसका आंसर हो जाएगा 16, किसका है, ए बी सी, सी ये आंसर रहेगा। ओके, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी का है। क्लियर? उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोला गया है, 1/2 कितने परसेंट है 1/3 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कल बता रखा हूँ कि जिसमें का लगा रहा, जैसे 4 कितने परसेंट है 7 का, 9 कितने परसेंट है 8 का, तो जिसमें का लिखा रहेगा ना वो बेस वैल्यू होगा। ओके, जिसको हम लोग बेस मानेंगे, तो क्या है 1/3 का, तो चलो 1/3 को नीचे डालेंगे, कोई भी रहे, 1/ लिखा है 4 कितने परसेंट है 2 का, 2 का है ना, 2 नीचे आएगा 4 ऊपर आएगा। ओके, कितने परसेंट है, परसेंटेज निकालना काट दो, 200%। क्लियर? उसी से यहाँ है 1/2 कितने परसेंट है, 1/3 का, तो 1/3 नीचे आ गया, कितने का, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 1/2, 1/2 नीचे लिख दो। ओके, परसेंटेज है, चलो 100, ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 3/1 इंटू 100, काट दो, 2 से काटेगा कितना हो जाएगा, 50 × 5 = 15 यानी कि 150% आंसर दिख रहा है, कहीं 150, ये रहा। ठीक है, इसको कितने को, किसी कितने स्टूडेंट को ना इसको कन्वर्ट नहीं करने आता है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1/2 है ना, 1/2 इसी तरह, ये देखो इसको इससे गुना करना होता है, इसको इससे। क्लियर? इसको याद रखना हमेशा, फर्स्ट नजदीक वाले को नजदीक से गुना कर देना। क्लियर? चलो, अब इसमें क्या बोला गया है, 2 का पावर 5 है ना,
दो बार पांच मतलब क्या, दो पांच बार, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, और 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 3 बार, 1 2 3, 5 का पावर 2 मतलब क्या, 5 2 बार, सबको गुना कर दो, जो आंसर होगा वही होगा। इसका आंसर गुना करने पे इतना आएगा, 2160। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 27। ठीक है, क्या बोला गया? देखो इसमें क्या है, वी बोध मास रूल यूज करना होगा, वी बोध मास, ओके, VBODMAS, ओके, विनाकुलम मतलब क्या, बार, जिसपे बार, जैसे 2 × 4 + 7, तो इसमें बार लगाया तो पुलिस का काम होगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं विनाकुलम, ओके। फिर ब्रैकेट, बीस ब्रैकेट, ओ से क्या होगा, ऑफ, ऑफ मतलब तो गुणा का चिन्ह रहेगा, डी से डिविजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, ओके। कल मैं बता रखा हूँ इस सबको, ठीक है, कल मैं बता रखा हूँ आपको, पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये रहा, यहाँ मैं बदलाया था, देखो है ना, ये कल मैं सॉल्व करके बदलाया था इसको, पूरा बदलाया था ना। जैसे ये देखो, ये इसको बोलते भी ना करूँ, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसे, ये हो गया था ये। तो इसमें सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, लिख ही देता हूँ पहले, VBODMAS, विनाकुलम हो गया भार, ये क्या है ब्रैकेट, ये है ऑफ, गुणा का चिन्ह ये है, डिवीजन ये है, मल्टीप्लीकेशन ये है, एडिशन ये है, सब्सट्रैक्शन, ओके, यानी कि भागा, सब्सट्रैक्शन मतलब भागा, सब्सट्रैक्शन मतलब घटा, ओके, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले विनाकुलम कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा, कहीं बाहर है, नहीं दिख रहा है, तो उसका क्या है ब्रैकेट, सबसे इसमें पहले ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, ये देखो ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट काम करेंगे, ब्रैकेट में भी पहले होगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर होगा मीडियम, फिर होगा, तो सबसे स्मॉल वाले का सबसे पहले काम किया जाता है, ओके। तो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, देखो ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका काम होगा, डिवीजन का है ना, डिवीजन का काम होगा, उसके बाद जोड़ का होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको सही से उतार देता हूँ, ठीक है, इसको उतार देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि कर दूँ क्या, रहने दो, चलो हटा, ये क्या है 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, ये है ना, यहाँ तक हो गया, 1 + 1 डिवाइड 1 × 1 + 1 है ना, यहाँ तक आ गया, 1 + 1 क्या है, 1 पे डिवाइड बाय 2 है ना, चलो 2, ओके, यहाँ डिवाइड लगा है, ब्रैकेट +1, ओके। तो अब क्या होगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे, चलो क्या होगा, 1 डिवाइड इनटू 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1, ठीक है, इसको गुना करोगे तो कितना होगा, ये ऐसे 1 है, ओके। तो क्या होगा, 2 2 1 2 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा, 3/2, ओके। इसको ये ऐसे लिखा है, इसको क्लियर कर दूं, ये कैसे है 1 + 1/2 लिखा है, ओके। इसको इसको सॉल्व किया हूं, ये देखो ये है, क्लियर। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम किया जाता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का, क्लियर। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ये वाला ब्रैकेट का, ओके, ये इतना हो गया, ओके, +1, ओके, यहां तो हो गया, क्या होगा फिर से 1 1 + 1, मैं तो इसको यहीं से सॉल्व कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ रहा है, ओके, 1 + 1 डिवाइड बाय 1 है ना, 1 का क्या है, यहाँ दिख रहा है 1 को डिवाइड में 1 है ना, इसको क्या करूंगा, 1 को 3/2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 को 3/2 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 3/2 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2, ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यह हट गया, अब यहाँ पे क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट, क्लियर, +1, ठीक है। अब देखो 1 डिवाइड बाय इतना 1 + 1 डिवाइड इनटू 1 + अब क्या है, देखो 1 है ना, 1 में क्या है, भागा 3/2, तो 1 को भागा दू 3/2 से, ओके। फिर क्या है, मिडिल ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट, +1, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो अब यहाँ से ऊपर देखो क्या है, 1 डिवाइड इनटू 1 + 1 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट, अब इसको देखो 1
प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, कैसे कल में बदलाया था ना, ठीक है, ये क्या क्या हो जाएगा, वन टू ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, ब्रैकेट बंद, लास्ट ब्रैकेट +1। इसको कैसे सॉल्व किया हूँ ये देखो, ये नहीं, ये जो है ये, इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ देखो 1 = 2 है, 1/3/2, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे, नहीं कुछ तो क्या होगा, नहीं कुछ यहाँ पे ना, तो बाय में 1 होता है, ऑब्वियस बात आप सबको पता है, तो कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज उठा दो, जैसे 1/3 ये लिख दिए हो आप, ओके, इंटू इसको एज इट इज, इसी तरह से यहाँ लिख दो 2/1, देखो वही किया हूँ ना, हो जाएगा 2/3, हो गया। तो देखो यहाँ 2/3 दिया हूँ है ना, ऐसी इसी तरह आपको करना है, ओके। बट्टा में अगर नहीं कुछ है तो 1 करके करो, ओके। वैसे भी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, एक चीज थोड़ा रट्टा मारना होगा, ये समझ लो, समझ सकते हो, तो जैसे 1/3 यहाँ इक्वल टू 1/3/2, कुछ नहीं करना होगा, इसको इससे गुना करना होता है, कैसे गुना करना होता है मैं बता रहा हूँ, 1 रहेगा है ना, ये ऐसे ऐसे होगा, क्लियर। इसको मैं फर्स्ट वीडियो में भी इससे अच्छे से समझा दिया हूँ डिटेल में, ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या होगा, 1/(1 + 1)/, अब 3 को 100 करो कितना होगा, 3 3 में 2 जोड़ोगे 5, तो कितना हो जाएगा, 5/(2 + 1), ओके। अब क्या हो जाएगा, ये 1/(1) है ना +1, अब 1 में भागा कितने से, 1 में भागा लगा कितने, 5/3 से, तो 1 में भागा दो 5/3 से, ओके +1, क्लियर, ठीक है। अब होगा 1/, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये क्या होगा फिर से, 5 3 ऊपर आ जाएगा, किसे अगर मैं बदला रखा हूँ है ना, ये कितना हो जाएगा, 3/5 × +1, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा है, देखो एक स्टेप के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो यहीं पे खेला खत्म हो जाएगा उसका, ओके। फिर क्या है, 1/, ये क्या होगा, 5 को 100 करोगे 5, प्लस कितना होगा, 8/3 × +1, ओके। अब क्या, 1 में भागा कितने, 8/2 से, तो 1 में भागा किससे, 8/3 से, ओके, प्लस क्या है, 1, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो 3/8 और +1 है, ओके, कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो, तो 8 और 3 कितना होगा, 2 10 1 11, 11/2 कितना हो जाएगा, 8, इसमें कहीं दिख रहा है 11/8, नहीं 11/8 है नहीं, 8 2 10 1 11, अच्छा रुको, दो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ओके +1, 8 2 10 1 11 11/8, तो हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा, क्या है, 1/(1 + 5/3), ओ यार ये 5/3 है, ठीक है, ये 3/5 हो गया, यहाँ तक सही है, ओके, यहाँ तक सही है, तो यहाँ क्या हुआ है, 1/5 × 3 = 8, 8/3 + 1, यहाँ ये भी सही है, 1/(8/3 + 1), ये भी सही है, तो फिर गलत कहाँ हुआ, ओ 5 + 3 5 अगेन 5 और 1 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8 8/5 होगा ना, ये तो है 8/5, यहाँ 5 को 1 से गुना करूंगा 5 + 3 5 3 8 हो गया, ÷5 है ना, तो यहाँ 5 करना होगा ना, वही तो ऑप्शन ही कहीं नहीं दिख रहा है, कितना होगा, 5, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, 1 को डिवाइड किया गया 5/8 से, तो 1/(8/5), ओके +1 है, तो क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/(8 + 1), अब 8 को 1 से गुना कर दो, कितना होगा, 8 और 8 में 3 जोड़ दोगे 13, तो कितना हो गया, 13/8, ये आंसर कहीं दिख रहा है आप, देखो 13/8 ये आंसर, ओके, कोई बात नहीं है, मिस्टेक सबसे होता है। तो ये क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, 0.16, देखो कोई भी डिजिट है ना, 0 के बाद 0.789 कुछ भी दिया रहे तो पॉइंट के बाद यहीं से पकड़ा जाता है कि तुम मैथ के स्टूडेंट हो या फिर किसी और के स्टूडेंट हो, तो जो तेज स्टूडेंट रहेगा, जो बहुत काफी तेज हो गया, पड़ेगा इसे 0.789, ओके, लेकिन जो उससे भी तेज होगा वो क्या पड़ेगा इसे 0.789, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी वैल्यू को ना, जैसे 0 पॉइंट के बाद लिखा गया 7876, तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हो 7860, नहीं, इसे पढ़ोगे 0.7876, क्लियर। इस पॉइंट के बाद 789 है ना, तो इसको पढ़ लोगे 786 तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है, जैसे यहाँ 0.16 है ना, इसको पढ़ना होगा 0.16, इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हो 0.16, ये गलत हो जाएगा, ओके।
0.4, तो कुछ नहीं करो, इसको कटेगा तो काट दो, है ना, कटेगा, 0.4 हो जाएगा, कटा ना, कैसे कटा दिखा, है क्या 0.16 है, तो 4 से कटेगा ना, 4 चौका 16 हो गया, यानी क्या रूट अंडर 0.4 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आपको याद करना होगा, 0.63 होता है, ये इसका आंसर होगा। इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 125, तो डिवाइड किस में लगा है, पूरे में, देखो पूरे ब्रैकेट है, पूरे में लगा है, ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, डिवाइड बाय कितना है 125, पूरे का डिवाइड है, चलो पूरे का डिवाइड कितना है 125, ओके, इसका टू कितना है 3.56, ओके, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 324, क्या हो जाएगा 324 इक्वल टू 3.56, किससे मल्टीप्लाई होगा तो 125 से इंटू 125, क्यों इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इधर की उधर से, इधर नहीं कुछ तो वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, इतना ही होगा ना, इसको इससे, ये सब काफी बेसिक है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 324, ओके, इक्वल टू इसको क्या करना, 3.56 को 125 से, तो आपको पता होना चाहिए 3.56 को पहले 125, मतलब क्या इसमें 100 भी है 25 भी है, तो पहले 100 से गुना कर दो, 100 से गुना करने पे कितना होगा 3.36, फिर 25 से गुना कर दो, ओके, फिर क्या करना, जोड़ो, दोनों को जोड़ दो, फिर इसको 25 से जो गुना करोगे तो इसमें पॉइंट क्या कितना है, कितने इधर दाएं साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 25 से इससे गुना करने के बाद दाएं साइड से दो डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा दोगे, उसका जोड़ दो, जो होगा वही आंसर होगा, ओके, इसको गुना करने पे कितना आ रहा है अभी 445 आ रहा होगा, ठीक है 445, ओके, तो एक्स स्क्वायर इसका लू कितना होगा 445 माइनस 324, तो एक्स स्क्वायर इसका लू कितना होगा, 5 में से 4 1 और 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ओके, तो ये कितना हो गया एक्स इजकल टू रूट अंडर 121, क्यों, क्योंकि ये रूट हटाया हूं, तो रूट हटेगा तो इधर इधर रूट लग जाएगा ना, ठीक है, तो क्या हो गया इतना x इक्वल टू रूट अंडर वन, तो रूट बाहर निकलेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने का स्क्वायर है ये 11 का है ना, तो x इक्वल टू 11, ये आंसर है, 11 का दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट में आंसर, ये आंसर, ओके, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन कल मैं बता रखा हूँ, जैसे मान लिया जाए 2.7 है, इसको क्या कैसे सॉल्व करोगे, तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, एक एक पे कितना जीरो, तो पॉइंट के बाद दाएं साइड जितना अंक होगा उतना जीरो, तो एक अंक है तो ये होगा एक जीरो, ओके, सपोज करो 2.7 डिवाइड बाय 8.97, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा, गुने एक पे कितना जीरो, कितना अंक है यहाँ पे, एक अंक है, तो चलिए इसको रिमूव करूंगा, तो यहाँ गुने एक पे कितना जीरो होगा, तो पॉइंट का कितना डिजिट है, यहाँ देखो दो है ना, एक दो, उसका सॉल्व करो जो होगा वही आंसर होगा, ओके, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है 0.05 डिवाइड बाय क्या है 0.25, ओके, प्लस क्या है 0.25 डिवाइड बाय 0.05, ओके, पावर क्यू है, ठीक है, ये उसको यहाँ बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, तो अब नीचे में क्या हो जाएगा, वन पे कितना जीरो, दो अंक है, दो ही अंक है ना, तो एक पे दो जीरो, ओके, इसको रिमूव करूंगा, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो इससे ये रिमूव होगा, इससे ये रिमूव होगा, काट दो 5 से 25, 5 से 25 होगा कितना 1/5/1, यहाँ से भी इसका एलसीएम लेकर कर सकते हो, ओके, लेकिन मैं पूरे बेसिक से कर रहा हूँ, ताकि कितना भी कमजोर मैथ हो ना आपका, फिर भी आप समझ सको, ओके, हो गया, ये यहाँ से कितना है पॉइंट के बाद, दो जीरो है, पॉइंट पे दो अंक है ना, पॉइंट की बात, तो एक पे कितना दो जीरो, उसी तरह से इसको रिमूव करो, नीचे में कितना एक पे डबल जीरो, क्योंकि दो अंक है यहाँ पे, फिर इसको रिमूव करो, तो एक पे कितना जीरो होगा, एक दो अंक है, चलो ओके, ये से कट जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा ना, ये 100 से 100 कितना बचा, 5 बचा है, नीचे में कितना 25 बचा, चलो 25 प्लस, ऊपर में कितना बचा 25, नीचे में कितना बचा 5, अब यहाँ से भी काट सकते थे, मैं यहाँ कर दिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो, तो ये 25 से कटेगा ना, 5 से 25 हो गया, ये 5 से 25 कटेगा, 5 से 25 हो, कितना बचा 1/5 प्लस कितना बचा यहाँ 5/1, ओके, पावर कितना है क्यू, चलो इसका एलसीएम लो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा कितना होगा, एक गुना कर दो कितना हो गया 1/5 को 5 से करो कितना होगा 5 5 25 ये हो गया 25 का पावर कितना है क्यू, चलो 25 1 26 26/5 इसका पावर कितना है क्यू है ना, तो 26 का क्यू कितना होता है 26 क्यू मतलब क्या 26 × 26 × 26 3 बार 26 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे खुद से करके देखो कितना आ रहा है 1756 आएगा, ओके, और 25 का 5 का क्यू कितना होगा 125 इस काट दो, ठीक है कितना
40 पॉइंट समथिंग आएगा, 608 के आसपास, तो ये है ना 140, ये रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। ये है एमबीआई मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, या बीबीआई मानो, जो भी समझो। ओके मतलब अप्रोक्स हर ईयर पूछ ही लेता है इस टाइप का, इसमें करना कैसे सॉल्व है। कल भी मैं बताया हूं इस टाइप का क्वेश्चन 17 18 19 20 21 में पूछा है। ओके इसको नीचे सॉल्व करना होता है, कैसे पहले इसको सॉल्व करो, 3 दुना 6 2 8 8 बटा 3 हो जाएगा। ओके फिर क्या करना होगा, 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3 दुना 6 बटा 8 2 प्लस। ओके इसको मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि कितना भी कमजोर हो मैथ आपका समझ में आ जाए। मैथ किसी के कमजोर नहीं होता है, होता क्या है कि प्रैक्टिस नहीं होता है। ओके जितना करोगे मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। ओके ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना है, 2 प्लस 2 डिवाइड है। देखो ये 2 कर दिया, यहाँ 2, यहाँ तक लिख दिया हूँ ना, यहाँ तक लिख दिया हूँ, इसका काम पहले करना होगा। ओके इसका काम करते हैं कैसे, कितना होगा, 3 दुना 6, 3 को 2 से गुणा करूंगा, 3 दुना 6 2 8, 3 दुना 6 और 2 8, 8 बाय कितना हो गया 3, चलो हो गया 8 बाय 3। ओके चलो और लिखते हैं, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 प्लस। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे हो मैं बता रखा हूँ, जैसे देखो 2 बाय 8 अपॉन 3, यहाँ पे इसको 2 है, देखो यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या होता है बाय में अपॉन, लेकिन ये बात ध्यान रखना ये ट्रिक कब यूज होगा, जब यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट ही हो। ओके ठीक है, ये ट्रिक नहीं ये कॉन्सेप्ट है। ओके यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ तो क्या है अपॉन में 1 है, कुछ नहीं करना है, अब इसको एज इट इज उठा दो, 2 बटा 8 है, इसको इसी तरह यहाँ पे रख दिया। ओके इसको इसी तरह उठा हुआ यहाँ पे रख दो, 3 बाय 1 कितना हो गया, 3 दुना 6 बाय 8 हो गया ना गुणा करने पे। ओके यहीं पे अगर 4 डिजिट होता है, जैसे 2 बाय 8 है ना, 4 डिवाइड बाय 8, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सॉल्व करते हैं, तो इसको 3 से 2 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो बदला रहे होंगे, कितना होगा, 3 दुना 6 अपॉन 8। ओके आप किसका काम करेंगे, फिर इसका काम, चलो 1 डिवाइड बाय क्या है, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय, चलो 8 दुना 10 और 6 16 हो जाएगा अपॉन 8। ओके अब क्या होगा, 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रखा हूँ क्या होगा, 8 दुना 16 अपॉन 16। ओके आठना 16 अपन 16 ही होगा ना, 8 16 16। ओके 2 प्लस इतना, चलो इसको फिर से आगे सोल्व करते हैं, ये कितना है 1 अपन 16 को 2 सुना, 16 दोनों 32 प्लस कितना है 16 डिवाइड बाय कितना है 16। ठीक है ओके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, 1 बाय किसको जोड़ ही दो पहले, कितना होगा 6 2 8 3 और 1 4 अपन में कितना है 16, अब क्या होगा 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर नीचे में 48 कटेगा, 16 बत्तीस 16 48 कट गया 1 बाय 3, लेकिन 1 बाय 3 आ गया ये कैसे हो गया, 1 बाय 3 तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं, तो कैसे होगा ये, कहाँ पे गलती की हम लोग, 1 बाय 2 प्लस 2 प्लस यहाँ तक सही है, 1 बाय 2 प्लस 2 ठीक है, ये 3 दुना 6 हो गया 2 प्लस 6 बाय 8 यहाँ भी सही है। ओके यहाँ तक सही, तो गलत कहाँ हुआ, 8 दुना 16 ओ ये देखो 8 दुना 16 और 6 कितना होगा 22 ना, दुना 16 और 6 22 1 अपॉन 2 प्लस 2 डिवाइड बाय दुना 16 24 22 22 बाय 8। ओके अब शायद आंसर मिल ले, 2 प्लस इसको 8 सुना करूँगा दुना कितना 16 बाय 22। ओके चलो अब वन अपॉन क्या होगा, क्या होगा अब एनीवन, 22 दुना 44 प्लस 16 ये होगा ना डिवाइड बाय 22। ओके क्या हो जाएगा, 22 ऊपर आ जाएगा ना 22 22 डिवाइड बाय इसको जोड़ दो कितना होगा 6 4 10 4 5 1 6 हो गया 22 बाय
60 का तो कितना होगा 11, ये हो जाएगा 30, 11/30 दिख रहा है ये आंसर। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट 25, वो जो 26 है ना सीरीज का 25 क्वेश्चन है। ओके ये क्या है, इसको इतना से भाग देने पे क्या होगा, 8 रूट अंडर 15 को बोला है 2 रूट 3 से भाग देने के लिए, तो 2 रूट 3 से भाग देते हैं तो रूट से रूट काट सकते हैं पता है, काटो 3 5 15 कितना हो गया, आई ये से कटेगा तो हो गया 4, कितना हो गया 4 रूट अंडर 5 दिख रहा है कहीं, ये देखो ये आंसर। ओके इनसे कौन पूर्ण वर्ग है, ये आपको क्या लगता है किसी आप लोग को वर्ग पहले पता है, पहले किसका वर्ग ये हो सकता है, देखो 3 का ही वर्ग होगा, 9 या 30 का होगा, 30 दिया 30 का 9 है 900 होता है ना, ये सब आप लोग कर ले जाओ। ओके इसमें इसके अलावा और देखते हैं 900 क्या होगा इसका आंसर, एनीवन इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा, 900 ना, तो ये आंसर है ठीक है, इसको सॉल्व कर देखते हैं। अभी मैं बताया हूँ ना कि किसी का पावर में अगर 2 के पावर -7 है तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 1/2 के पावर 7 हो जाता है, वही क्वेश्चन है ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, दो क्या है 1/2 के पावर -2 है, इसको उतार ही दूंगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन है 1/2 के पावर -2 + 1/3 to the power -2 + 1/4 to the power -2। ओके तो क्या करेंगे, जो भी माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अंश, हर में हर अंश में आ जाएगा। ओके ठीक तो क्या हो जाएगा, 2 ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, नीचे में अपॉन है उसका कोई वैल्यू नहीं है ठीक है, क्या होगा सिर्फ ये माइनस पावर हट जाएगा। ओके प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2, प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का पावर कितना, 2 कर दो आप, क्या 2 ना 4 प्लस 3 3 3 9 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो जो 16 जोड़ दो 16 4 20 और 9 29 दिख रहा है, ये रहा आंसर। ओके इसको सॉल्व करते हैं ठीक है, क्या बोला गया यहाँ देखो, क्या क्वेश्चन, -2 का पावर -2/3 to the power -2 है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना होगा, माइनस में पावर फिर से इसको चेंज कर दूं मैं, देखो पावर में माइनस रहेगा तो अपॉन होगा लेकिन इसका माइनस हट जाएगा क्लियर, लेकिन इसके अंदर ही जो माइनस रहेगा ना वो माइनस लगा रहेगा, जैसे -2 का पावर 7 है -7 तो क्या हो जाएगा -1/2 to the power ऐसे ऐसे इसका पावर 7 हो जाएगा, क्लियर समझ रहे हो ना ठीक है। ओके लेकिन माइनस में लगा रहेगा, ये इस पूरे का पावर 7 हो जाएगा लेकिन यहाँ माइनस लगा रहेगा, -2 का पावर मान लिया जाए जैसे 1/2 है ना, -2 का पावर कितना है -8 तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस लगा रहेगा का पावर 8 ऐसे होगा। ओके ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे। ओके का पावर कितना है, माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा रहेगा इसके अंदर वाला माइनस का पावर कितना हो गया 2। ओके इसके फिर से इस पे एक और स्क्वायर है, चलो इस पे एक और लग गया तो कितना होगा, इसको गुना कर दो तो ना 4 मैंने 3 की पावर 2 अपन कितना है और पावर में कितना है 4 है ना, ये दो हो गया 2 2 ना 4। ओके तो अब क्या होगा, 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 × 3 × 3 4 बार 3 है ठीक है, 3 × 9 9 27 27 81 तो होगा 81 देखिए 81 हो गया, 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 काटो जो होगा आंसर, काटो 16 × 32 16 48 16 6 16 5 80 5 पॉइंट कहीं पे 5 दिख रहा है, ये देखो ये आंसर है। ओके पूरा पूरा सॉल्व भी नहीं करना, दिमाग लगा दो, 16 5 6 5 मरते भी कट रहा है ना, 5 से कट रहा है ये, इसमें ढूंढो 5 कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है 5 वाला, 2 ऑप्शन अगर दिखता 5.5 बहुत में तो फिर इसको काटना, 16 5 8 1 बचा है ठीक है, फिर पॉइंट होता है 0 0 0 0.0 16 16 96 ऐसे होता तो आंसर ठीक है। अभी कौन सा आंसर, ये आंसर। ओके अब ये देखो ठीक है, मैच बैठेगा आप थोड़ा फैन का ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे आप लोग सॉल्व करो, मैं समझूंगा हूँ कि आप लोग सॉल्व करने आता है क्वेश्चन। ओके जैसे मान लो एक एग्जाम्पल एक पैटर्न है, इसका कॉन्सेप्ट पता ही होगा मैक्सिमम को, जैसे 1 का 1/2 है, 1 का पावर कितना है 1/2, इसका मतलब क्या होता है, एनीवन इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो नहीं है ए, ये तो ए चलो ए वैल्यू ही है ही, लेकिन इसका पावर 1/2 है मतलब क्या,
ये रूट में है, रूट में तो है, जो ही कुछ पावर किसी चीज का 7 का पावर 2/7 है ना, इसका मतलब ही समझ लो कि ये रूट के अंदर है। ओके, रूट के अंदर ही है। ओके ठीक है, तो नीचे में जो बेस है ना वो रूट के अंदर आएगा। कितना है ये? 2 है, तो 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए हो? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का पावर कितना है? 1/n। ये क्या हो जाएगा? ये तो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कितना इसके अंदर है? रूट के अंदर, ये यहाँ पे है एन। ओके ठीक है, जैसे जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ तो इसी को अगर जैसे एग्जाम्पल लूँ, जैसे इसको, ये तो समझ गया ना, 1 का पावर कितना था? जस्ट अ सेकेंड, 1 का पावर 1/2 है, तो कितना हो गया? ये पावर 2 हो गया ऐसे, ठीक है। अगर यहीं पे 1 का पावर 1/3 होता तो एक, तो क्या क्या हो जाता? ये आता यहाँ ब्रैकेट में, कितना आता रूट के अंदर? कितना आता? 3 होता, 3 ही होता ना। ओके, तो आपको पता है कि इससे ये बना है, तो ऑब्वियस ही बात है इससे भी ये बना बन सकता है कि नहीं? तो अगर 3√a रखे, इसको क्या लिख सकते हो? 1 का पावर 1/3। ओके ठीक है, पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ देखो क्या है, इसको इसको कैसे करना होगा? पहले इसका काम करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद का काम, फिर इसका काम। ओके, इसको अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ अच्छे से। 2√2 पावर कितना है? 9। ओके, रूट के अंदर कितना है? 6 है, फिर एक्स पे एक और रूट है, यहाँ पे कितना लिखा है? 3 है। ओके, पूरे ब्रैकेट के अंदर में पावर कितना है? 4 इंटू, ठीक है, फिर क्या है? 2√2 पावर 9 है, इसके अंदर 3 है, फिर एक और रूट है, इसके अंदर कितना है? 6। ओके, और पूरे का पावर कितना है? 4। दैट्स इट। इसी को क्या करना है? आप सॉल्व करना है, तो क्या है? 2 का पावर 9 है ना, चलो लिखता हूँ 2 का पावर 9। ओके, इसमें से हटाना होगा तो मैं क्या बताऊँ? जैसे यहाँ पे देखो, 1 का पावर 1/2 था, तो क्या किए हम लोग? 2 आ गया, ये वन, इससे इसको करने के लिए क्या करना होगा? ये लिखूंगा, ये कितना है? 2 है ना, जितना बैक रूट के अंदर में जितना रहेगा ना, उतना पावर में अपॉन में कर दो 1/2। ओके ठीक है, ये जो ना, ये इसका बेस पावर में होना चाहिए, ठीक है। ओके हो गया, अब यहाँ तो इस ब्रैकेट में करता हूँ, ये कितना, इसको इस पे कितना पावर होगा? 6 है ना रूट के अंदर, तो 1/6। ओके, फिर एक कोई और रूट है, देखो एक और रूट है, तो इस पे कितना पावर हो जाएगा? 1/3। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जितना होगा ना, वो क्या होगा? पावर में आएगा, बाय में। ओके क्लियर, इसका पावर कितना है? यहाँ देखो, इस पूरे का पावर भी है ना, 4। 4 हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनटू है। चलो यहाँ 2 का पावर कितना है? 2√2 पावर 9। ओके, फिर यहाँ पे कुछ है रूट के अंदर, देखो 3 है, तो इसका पावर कितना होगा? 1/3। रूट के अंदर फिर एक और 6 भी है ना, चलो इसको 1/6 कर देते हैं। ओके, पूरे के पावर कितना है? 4। 4 कर दो, 4, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसके आगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9, और कितना है? 1/6 इंटू है ना 1/3 है, तो इसको इससे गुना करो, कितना होगा? 6 3 18 है ना, तो क्या होगा? 2 का पावर 9, 2√2 पावर 9 इंटू क्या है? 1/, कितना होगा? 6 3 18 होगा ना, तो 1/18। ओके, पूरे का पावर कितना है? 4 इंटू क्या है? 2 का पावर 9 इंटू, देखो यहाँ है ना, चलो 2 का पावर 9 पर लिख ही देता हूँ। उसका क्या होगा? ये पावर में है, 1/3 इंटू 1/3, दोनों पावर ही है, तो जुड़ेगा कितना? मतलब क्या, 2 का पावर m इंटू n है, मैं बताया था ना, 1 पावर m इंटू n है, तो इसको क्या लिख देंगे? 1 पावर m इंटू n। ओके, जैसे देखो 1 पावर m पावर n है, ठीक है, 8√2 पावर m, 2√2 पावर n, मतलब कि 1 पावर m, अब पूरे का पावर n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 पावर m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n, यानी क्या है, ये जो वैल्यू है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो 7 का पावर 3 है, पूरे का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5 नहीं होगा, 7 का पावर कितना हो जाएगा? 3 2 9 6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूं, आपको नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है। ओके ठीक
ठीक है, तो 2 to the power इतना हो गया, अब क्या है 1/3, यहाँ 1/6 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 6 × 3 = 18, इसके पावर कितना हो जाएगा 1/18, अब 1/18 है ना, ओके, ये पूरे का पावर कितना है 4, चलो 4 कुछ कटेगा देखो, तो ये पावर देखो अगर 2 है यहाँ 1 है, इसको गुना करोगे कितना होगा, इसको चलो बेसिक ही और कर देता हूँ, जस्ट सेकंड, देखो 2 है ये 1 है, 1/18 इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 9, सुनो 9 और ये पावर में 18 है, चलो 18 ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पावर में कितना है 4 इंटू यहाँ कितना है 9 को 1 से गुणा करोगे तो 2 पावर 9 है ना, तो चलो 2 पावर 9 ओके, डिवाइड कितना है 18, चलो पावर में कितना है पावर 4 ओके, कटेगा ये काटो, ये पूरे पूरे 2 का पावर है 9/18 कटेगा, काटो 9 × 2 = 18 हो गया, ये कटेगा 9 × 2 = 18 यानी क्या 2 का पावर कितना हो गया अब 2, इसका पूरा पावर कितना है 4 इंटू यहाँ कितना है 2 का पावर 2 है ना, क्योंकि 1/2 है, चलो 2 के पावर 1/2 क्यों, क्योंकि 9 को 18 से काटे हो, जैसे 9/18 काटोगे कितना होगा 9 × 2 = 18 यानी कि 1/2 होगा ना, तो यहाँ 1/2 है ओके, इसको 1/2 लिखो ठीक है, फिर यहाँ 2 का पावर कितना होगा 1/2 ओके, पूरे का पावर कितना है 4 गॉट इट, फिर देखो अब क्या होगा, जैसे यहाँ देखो इसको थोड़ा सही से लिख दूं, ये क्या है 1/2, फिर इसको 4 से गुना करोगे कितना होगा 2 × 4/2 ये हुआ ना, इंटू क्या होगा 2 × 4 को 1 से गुना करोगे कितना होगा 4/2 काटो कितना होगा 4 × 2 = 2 फिर 4 × 2 = 2 यानी क्या 2 पावर कितना 2 इंटू 2 पावर 2 तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4 यहाँ भी कर दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2 × 2 = 4 इंटू 2 × 2 = 4 कितना होगा 4 × 2 = 16 या फिर 2 पावर 4 भी होता है 16 है ना, यहाँ देखो पावर में ही डाला है 2 पावर 16 तो कितना होगा 2 × 2 = 4 है ना, 2 × 2 = 4 है, यहाँ देखो 2 × 2 = 4 16 2 × 2 = 16 यानी कि 2 पावर 16 लेकिन अपना आंसर कितना आ रहा है 2 पावर 4 यही आंसर है ओके, यहाँ पे थोड़ा और समझ लो अच्छे से, ऑप्शन में देखते रहना है कि आंसर किस चीज में दे रहा है, पावर में है या फिर इसको सोल्यूशन करके, अगर इसका आंसर ही देता कितना होता 2 × 4 × 2 × 2 = 4 तो 4 × 16 हो जाता, लेकिन यहाँ कहीं 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सबका 2 में पावर लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पावर में ही इसका आंसर देंगे क्लियर, तो क्या होगा 2 × मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, जैसे ये देखो a^m (a^n) होगा तो क्या होगा a^m + n हो जाता है ना, किसी चीज का 7^3 है इंटू क्या है 7^4 है, अगर दोनों का बेस समान रहेगा ना तो वो उसी तरह IGT लिखा जाएगा और उसका जो पावर है ना वो जुड़ जाता है 4^3 = 7 हो जाएगा ओके, ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पिछले वीडियो में ओके, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 यानी 2^4 ये होगा आंसर ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि जो भी पावर माइनस जाएगा क्या होगा हर वाला आंसर में चला जाएगा आंसर हर में, तो इसे पलट दो 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1 तो 3/1 लिखो या फिर 3 लिखो बात बराबर ही ना, ये वन इसके बाद कितना होगा 2 - 2 है तो ये हो जाएगा 2 ओके, माइनस ये क्या है 1/2 का पावर -3 है ना, तो अपन ऊपर में चला जाएगा तो कितना होगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्लियर, अब क्या है पूरे में देखो पूरा ब्रैकेट है पूरे में क्या है 1/4 ये पूरे में ब्रैकेट है इसका पावर 1/4 है तो 1/4 में क्या कितना पावर है -2 तो क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा है ना, यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर ओके, ये क्या 3 का स्क्वायर है 3 × 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 = 9 -2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा 8 ओके, डिवाइड बाय क्या है 4 का स्क्वायर ओके, तो 9 में से 8 गया 1 एक ही होगा ना ओके, और 1 डिवाइड यहाँ क्या है 1 तो आ गया, अब 1 पे डिवाइड कितने का है 4 के स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 16 यानी कि 1/16 आंसर कहीं दिख रहा है 1/16 ये रहा है आंसर 16 ओके, इसको सही फिर से कर दूं क्या, देखो क्या है 1 इसको लिख लो 1/3 का पावर -2 -1/2 का पावर कितना है -3 ठीक है, और क्या डिवाइड में 1/4 का पावर -2 क्लियर, तो मैं क्या बोला इसको ऊपर कर दूंगा चलो 3/3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे तो 2/1 लिखो या फिर 2 लिखो इक्वल बराबर ही है ओके, मैं 1 लिख ही दूं चलो लो क्या पावर कितना है स्क्वायर है ओके, -2 ऊपर 1 कितना है यहाँ पे -3 है पावर -3 है तो ये हो जाएगा 3 ओके, माइनस हट जाएगा क्लियर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए ये कितना हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर -2/1 का पावर क्यू ओके, यहाँ डिवाइड में अगर किसी का मैथ अच्छा होगा ना तो डिवाइड इसे तो ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई मगर मट होगा ये ऊपर नीचे नहीं तो ये ऑलरेडी ऊपर नीचे है तो क्या हो जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा जैसे है ना जो जैसे मान लिया 4/2 दिख रहा है ना आपको
कहीं भी ऐसा दिखे या वन बाय टू है, सपोज करो 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2 है, इसको थोड़ा सही से लिख दूँ, जैसे कहीं पे आपको ये दिखे कि 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2 है, आप कुछ मत करो, इसको 4 × 2/1 इसको एक्सचेंज कर दो, वही है इसका आंसर होगा। अच्छा देखो कितना चाहते हो, 8 आया ना, इसको भी करोगे तो वही आएगा, इसको करो 4 है ना, देखो क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 1 बाय 2 करोगे तो 2 ऊपर आ गया, तो कितना चाहते हो, 8 हो गया, ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8। ओके तो ये सब बेसिक में बाद में समझा दूंगा। ओके अभी आप तो अच्छा खासा टाइम हो गया ना आपके पास, इसका एक दिन में सिंप्लीफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपॉन, ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर में माइनस है, तो चलो ऊपर आ गया, पावर कितना स्क्वायर। ओके फिर चलो 1 डाल ही दो, देते हैं यहाँ भी दे ही दो, क्या तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/1 प्लस 2 का क्यू कितना हो गया, 8/1। ओके क्या है, डिवाइड बाय 4 चौका 16/1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9/1 प्लस 8/1, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना 16/1, ठीक है, का इसको करो, 1 हो जाएगा 8 16 1 17 है ना, 16/1 काट फुट करो, ठीक है, ये कितना होगा 17/1 × 1/16 होगा ना, जो करो आंसर इसमें नहीं आ रहा है क्या, जो बदला है ना उसी 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 पे करो, इससे भी आंसर आएगा। क्लियर? अब इसे सॉल्व करो, क्या है माइनस, ये दिख रहा है क्वेश्चन, तो दिख रहा होगा आप लोगों को क्या लिखा है, क्वेश्चन उतार दो, 2/5 × −3/7 −1/14 −3/7 × 3/5 ओके इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करो, माइनस कितना होगा, 3 × 6 = 7/5 = 35 मैंने 3 को 2 से गुना किया हूँ, कितना होगा, −6 = 7/5 से कितना होगा, 7/5 माइनस, चलो हो गया, माइनस क्या है 1/4 1/5 बोर्ड मास का रूल पढ़े हो ना, अब ऐसे मत करना कि इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे इसका काम पहले कर देना, इसका माइनस वाला काम पहले कर देना, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी इसमें और अभी कुछ है, गुना भी है ना, पहले गुना का काम करेंगे, यहाँ भी गुना है, ठीक है, तो पहले क्या मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी है। ओके ठीक है, तो ये इसको एज इट इज इसी तरह लिख दिया, उतार दिया हूँ, ठीक है, माइनस क्या है 1/14 ओके, माइनस इससे गुना करो, 3 × 7/35 ओके, अब कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो सबका, क्योंकि सब माइनस में ही है, इसका एलसीएम कितना होगा, 35 × 70 70 हो जाएगा, दूर हो गया तो ये कितना हो गया, −12 − 14 = 70 5 होता है ना, चलो 35 × 70 2 × 2 = 18 काट फुट करो, क्या कितना हो जाएगा, ये 12 8 20 10 30 और 5 35 −35/70 कटेगा, 35 × 70 यानी कि 1/2 −1/2 कहीं दिख रहा है, −1/2 ये आंसर। ओके उसके बाद मध्य कितना, ये मध्य माध्य का आप लोग निकाल सकते हो। ओके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, खुद से करो आप देख लो। ओके तो करना क्या चाहना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना है, शेयर करना है, कोई भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है।